नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार मीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड दिया है बस, एंड होटल तो देना और क्या देना, कुछ और देना। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग संभाषण शुरू करेंगे और मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ ताकि आप लोग भी इसको संभालें। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं एक मिनट यहाँ पे को होस्ट बना रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। अभी मैं अनम्यूट कर रहे हूँ, करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू कर देते हैं। जी सबसे पहले हम आरती मैम से शुरू करेंगे। आरती मैम, वो आपके पेशेंट कैसे हैं? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, ठीक है ठीक है, आगे से बेटर है। मेरे को पूछना ही था, थोड़ा और गाइडेंस लेनी थी। आपका वो सामान मेरे को मिल गया तो हाँ जी, हाँ जी सर। तो एक रामेठा ऑयल और पंच इंद्रिय वर्धन ऑयल और इंदु बटी, उसको यूज कैसे करना थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। 2 PD तो इंदु बटी का है, छोटी गोलियां हैं, बहुत छोटी गोलियां हैं। 2 PD और रामेठा ऑयल क्या आपको नाक में डालना है ना, कान में डालना है? सर उनको एक तो टिनाइटिस है, शंखनाद की प्रॉब्लम है, एक डेफनेस है, और डेफनेस 70% एक साइड है, 20% एक साइड है, और साथ में साइनस एलर्जी के राइनाइटिस सी छींके बहुत ज्यादा आती थी। तो अभी प्रेजेंटली आपका ही वो चल रहा है, शवयथु ऑयल और शीरबला। एक टाइम शवयथु ऑयल से करण पूरन और नस्य चल रहा है, एक टाइम से शीरबला से नस्य और करण पूरन चल रहा है। 15 दिन मतलब आज हो गए हैं। तो कितना परसेंट फायदा हुआ सर? जो डेफनेस है उसमें वो बोल रहे हैं कि अभी उनको मतलब जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में बोलता है तो उसको सुनाई पड़ता है वो चीजें,
पहले बिल्कुल ही नहीं पता नहीं लगता था वो चीज। और छींकों में, मतलब छींकों में आगे से बेनिफिट है, मतलब अभी पूरा बेनिफिट नहीं है, मतलब जैसे छींके आ जाती हैं फिर भी, जैसे जैसे पेंट है, पेंट से एलर्जी हो जाती है, कोई घर में जैसे कोई चीज कुकिंग कर रहा है तो उनको छींके शुरू हो जाती हैं, पर जैसे पूरा पूरा दिन रहती थी वैसे पूरा दिन नहीं रहती, बट आधा पौना घंटा या घंटा मतलब चल जाती है। हाँ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। जी जी सर। हाँ तो अभी आप पंचेंद्र वर्धन तेल एक टाइम और एक टाइम पे रामेटा तेल इसका कर्ण पूरण करिए ना। ठीक है सर। और नस्य? ठीक नस्य जो आप कर रही हैं वही कंटिन्यू करिए। है, नस्य ऐसे ही मॉर्निंग इवनिंग में एक एक टाइम शवियत ऑयल से, एक टाइम शीरबला से। हाँ ठीक है। और एक सर उन्होंने मेरे को आज क्वेश्चन पूछा था कि जैसे वो शवियत ऑयल है ना, उसको डालने में वो लगता तो बहुत ज्यादा है, मतलब एक टाइम पे ना उनका जैसे नोज है, उनको ऐसे लगता है कि जैसे मेरा नोज नंब हो गया, अंदर से बिल्कुल सुन्न हो गया है, तो ये एक नॉर्मल साइन है? हाँ नॉर्मल साइन है। उनको क्या तकलीफ क्या हो रहा है बाकी तकलीफ? ना? हाँ जी, उसके अलावा क्या तकलीफ हो रहा है? नाक तो खुल रहा है ना उनका? हाँ जी सर, नाक खुल रहा है बट उनको ऐसा बीच बीच में कोई जैसे बात नस्य नहीं करते वक्त भी छींके आ होगा। जाती है, उनको लग रहा है ऑयल, मतलब जैसे वो ये बोलते हैं कि ऑयल लगता है और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है जैसे मेरा नाक सुन्न हो गया बिल्कुल, कोई कि बात मतलब नहीं, मेरे सेंसेशन नहीं होती। कोई बात नहीं, उनको बोलिए होता है ऐसे। जी सर। ठीक है सर, फिर मैं ये रामेठा ऑयल एक टाइम करण पूरन के लिए और एक टाइम पंचेंद्रिय वर्धन ऑयल करण पूरन के लिए। ठीक हाँ ऐसा करिए है। फिर। और इंदु वटी दो दो टेबलेट मॉर्निंग इवनिंग, हाँ और ये मतलब किस काल में देनी है? खाने के बाद ऐसा ठीक है। कोई दूध वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ पानी नहीं। से सिंपल दे दूं? हाँ अभी अभी आपने जो पहले उनका लहसुन आदि वटी और सारी वादी वटी बताया था तो वो चल रही है अभी? वो उसके साथ में इंदु वटी ऐड कर दीजिए। ठीक ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। है। और उनका ये स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या? एंकुलाइजिंग सर स्पॉन्डिलाइटिस। वो दोबारा अटैक नहीं आया, 6 वस्ती की थी मैंने तो उसके बाद से वो ठीक है, क्योंकि वो तकरीबन हर साल ही करवा लेते हैं यापन वस्ती या कोई ना कोई वस्ती ये मतलब करा ही लेते हैं, तो ठीक ही रहता है वो। ठीक है, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? कोई केस आपको मालूम है? वो आरती मैम, मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो एक अश्विनी मैम है जो कर्नाटक के हैं, उनके भाई को 1 महीना जी किया था, सर। उसके बाद में उनको साइनस का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, अभी 8 महीना हो गया, एकदम परमानेंट ठीक हो गए सेम तेल से। जी सर। नहीं, मेरे को तो पूरा विश्वास है कि ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है मेरे हिसाब से तो आ रहा है, पेशेंट फिर सर ऐसे ही कंप्लेनिंग होते ही हैं। जी ठीक है, सर। और किसी को कुछ बताना है? अनुरिता मैम, आप कोई केस बताना चाहती हैं? सभी लोग को, पूरा भारत सुन रहा है, कोई टेस्ट सर हो मेरी जो सकता पिछली के, हाँ है? हाँ जी, आवाज आ सक्सेस रही है मेरी? आ रही है, सक्सेस स्टोरी बताइए और सिखाइए सब लोगों को कि कैसे आप ठीक की क्या किया। सर मैं इतनी बड़ी न्यूज़ सिखाने के लिए सर, बस जो केस आती है मैं वो डिस्कस कर सकती हूँ, आप ही सिखा सकते हैं सर। बताइए बताइए। एक्चुअली आज एक तो मनोवा की केस थी, वो अभी तक ट्रीटमेंट में शुरू नहीं की, लेकिन बहुत क्लासिकल केस थी वो, और इतना कंफ्यूजिंग कैरेक्टर था, इसकी वजह से मैं वो पहले के इसमें बता रही थी, लेकिन मेरी शायद कैंसर सी पैनक्रियाज विथ मेटास्टेसिस की केस मैंने काफी बार डिस्कस किया था, उसमें और एक एडिशन ये हुआ है। कल मैं ट्रीटमेंट के बारे में भी बोल रही थी तो शायद किसी ने मुझे पूछा था, तो 3 महीने तक तो मैंने अभी तक सिर्फ अभ्यंतर चिकित्सा, रसपाचक, रक्तपाचक, और इसके साथ में मैंने उनको गुरुचि घन दिए थे, पंचतिक्त घृत, क्योंकि काफी पेन वगैरह था उनको, और सबसे मेन दीपन पाचन के लिए कोई भी चीज उनको सूट नहीं करी थी, क्योंकि 6 केमोसाइकल्स उनकी हो चुकी थी, तो इसकी वजह से उनकी केमोसाइकल्स के साइड इफेक्ट काफी झेलने पड़े, प्लस 2-3 स्टेंट्स उनके डाले हुए थे गॉल ब्लैडर और शायद ड्यूओडेनम में, तो जिसकी वजह से उनको बहुत जल्दी मतलब अवरोधात्मक संप्राप्ति है, तो आफरा होना, गैसेस होना, कुछ भी चीज नहीं हजम होना, तो ये सारी चीज के लिए मैंने दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, कभी आम पाचक वटी, क्योंकि उनको बहुत जल्दी दाह हो जाता था, क्योंकि पेनक्रियाटिक इसमें यूजुअली जो भी है अग्नि बहुत जल्दी विषम इसमें चला जाता, तो कभी वो भड़कता भी और कभी बहुत मंद भी होता है, तो इसकी वजह से फिर मैं कोई चित्रकादी वटी वगैरह नहीं दे पाई। उसके बाद में उनका धीरे धीरे अग्नि भी शुरू हुआ, फिर जो हमारा उस वक्त में अशांग संग्रह और इसमें चल रहा था, तो फिर मैंने जो मूंग यूज
उद्घोष, क्योंकि उसके लिए वो तैयार ही नहीं हो रहे थे। काफी एजुकेटेड फैमिली है तो उनका कहना था कि भाई चपाती नहीं देंगे, सब्जी नहीं देंगे, तो वो थोड़ा सा ही खा रहे हैं। उनको लग रहा था वो थोड़ा सा ही खा रहे हैं, आधी चतकोर चपाती, लेकिन उनको वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। कॉन्स्टिपेटिंग हैबिट इतनी सीवियर थी कि मतलब उनको नॉर्मल स्टूल्स नहीं होते थे, और बहुत सीवियर 75 एज, पेनक्रियाटिक कैंसर विथ मेटास्टेसिस लीवर एंड अलॉन्ग विथ दैट डायबिटिक, इसमें भी थे सर वो। तो पहले क्योंकि ये केस में डिस्कस कर चुके, तो 20 डेज ही दिए थे उनको, 20-30 डेज, तो दे वर नॉट रेडी फॉर कम्प्लीट ट्रीटमेंट रेंज। उनको ठीक से समझाया मैंने क्या पॉजिटिव रही, और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें दीपन, पाचन, शोधन, इसके लिए कभी पेशेंट क्योंकि आउट ऑफ पूना है, काफी दूर रहते, तो यहाँ पे अभी तक मैंने पर्सनल नाड़ी नहीं देखा, ऑन फोन वीडियो कंसल्टेशन किया क्योंकि पेशेंट बेडरिडन था। अभी तो पेशेंट चलता है, घूमता है, 3 महीने से ज्यादा हो गया। अब वी हैव क्रॉस दैट डेडलाइन क्योंकि 20 डेज उनको जो दिए थे, तो अभी पेशेंट का वेट बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है। सी मार्कर 120, 250 से 120 हुआ है। डी डाइमर उनका 2250 था, क्योंकि काफी उनको इन्फेक्शन वगैरह काफी का स्टेज था, तो उस वक्त में मैंने उनको जो अपना त्रिफला गुगुल, उसके बाद में अमृता गुगुल और कैशोर गूगल भी दिया था मैंने, क्योंकि काफी जगह पे लीजन्स वगैरह का चांसेस था और उनको डर था कि पेशेंट सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, लेकिन पथ्य वह पालने के लिए तैयार नहीं थे, वो चपाती सब्जी देते थे। तो फिर जब 40 डेज हो गए तो सेकेंड मंथ में वो थोड़ा और पॉजिटिव, उन्होंने पेट स्कैन कराया, पेट स्कैन में उनके लीजन्स भी बढ़े नहीं, मेटास्टेसिस भी रोक लिया गया और नया कोई लीजन नहीं आया, प्लस थोड़ा सा लीजन का साइज भी जो पैनक्रियाटिक इसमें था वो कम हुआ। डायबिटीज उनका 200-250 जो था वो 150-160 की रेंज में आ गया था। उसके बाद में उनको धात्री निशा योग, मधुमान मधुसूदन वटी और पुनर्नवा गोगुल दिया था, क्योंकि एचबी और डब्ल्यूबीसी काफी कम हो जाते थे उनके, तो बहुत जल्दी मतलब कुछ भी हो जाए तो इमीडिएट इन्फेक्शन होता था। उनको ये सारे चीज फेज में से, अभी उनका 4th मंथ है, तो अभी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है बहुत एकदम इससे कि आप, क्योंकि या तो आप यहाँ आ जाए, मैं शोधन करूँ बस्ती या कुछ ऐसी चिकित्सा करूँ, या फिर वहां पे कुछ अरेंज कराएं। तो अभी वो विरेचन के लिए पहली बार तैयार हुए, मैंने माइल्ड उनको त्रिवृत्त एरेंट्स ने और उसके साथ में थोड़ा अमलकी और एरेंट्स ने के साथ में एक और योग दिया था मैंने, हरितकी और शायद तीन चार कॉम्बिनेशन मैंने दिए थे। पहले पाउडर फॉर्मेट दिए थे, फिर बाद में उसी का वटक बना के मैंने उनको बोला था आप पहले पाउडर थोड़ा सा दीजिए, अगर उससे विरेचन ज्यादा नहीं होता है, मतलब आपको लूज, उनको डिहाइड्रेशन का डर था। उनके बेटे पूना में बहुत अच्छे कंपनी में है, तो वो बोले कि मैम हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट बहुत इससे बाहर। तो उन्होंने जो पाउडर दिया वो हरितकी एरंड और त्रिवृत्त का, तो उस वक्त में उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मेरे ध्यान में आ गया कि पेशेंट जो भी है वो कॉन्स्टिपेटिंग हैबिट, काफी साल पुरानी उनकी कॉन्स्टिपेटिंग हैबिट, प्लस डायबिटीज, प्लस लॉट्स ऑफ ड्रग्स। मैंने केमोथेरेपी उनको 2nd मंथ में ही बंद करा दिया था, फर्स्ट 2 वीक्स में ही बंद करा दिया था, फिर कुछ काफी सारे ड्रग्स थे उनको मुझे काउंटर करना था, क्योंकि मैं विरेचन भी नहीं दे पा रही थी और दूसरा वो संप्राप्ति और खराब कर रहे थे। फिर मैंने उनको फिर से बोला कि आप जो वर्टक है उसका बनाया हुआ, उसमें क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है, तो फिर वो दीजिए कंप्लीट। उसके बाद में भी उनको कंप्लीट 2 बार उल्टी हुई तो वो डर गए, और उसके बाद में उनको मैंने सिर्फ कंटिन्यूशन में इतना ही बोला कि आपका जो, क्योंकि वो घी भी नहीं देना चाहती थी कि पेशेंट एंजियोप्लास्टी भी डन है 4-5 इयर्स 4-5 मंथ्स बिफोर, तो मैंने उनको बोला था कि आपका विरेचन जैसे होगा तो आपको इसका कोई भी, आप डरिए मत, वो नहीं रहेगा अंश अंदर। तो उन्होंने गर्म पानी और मैंने उनको बोला था कि आप थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं कि जो भी मैंने द्रव्य दिए हैं उसके बाद में सिर्फ गुनगुना पानी और धनिया जीरे पानी इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अंदर जो भी चीज है वो भले कंप्लीटली विरेचन ना करे, क्योंकि एक ही वटक और एक दो दिन का ही सिर्फ 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसे घी गया, क्योंकि दे वर नॉट रेडी फॉर आइडियल कर्मा। फिर उसके बाद में उनको लूज मोशन हुआ। अभी फिर से 2nd वीक में मैंने बोला है कि एक फिर से विरेचन देते, तब सोच रही हूँ मैं कि कम से कम, क्योंकि उनका फिर से मोशन वगैरह जो हैबिट है अभी तक इतना रेगुलराइज नहीं हुआ। लेकिन सर आज की मैं ब्लड के रिपोर्ट्स भेजती हूँ, उनका 30-40 यूरिन का इन्फेक्शन रहता था, आरबीसीज उनका लीक होता था, डब्ल्यूबीसीज उनका काफी कम था। मैं पहला रिपोर्ट और आज का रिपोर्ट भी शेयर करती हूँ सर। ये सारी ट्रीटमेंट में उन्होंने मुदगयूष, उसके बाद में बैंगन का दुधी भोपला, लाल भोपला जो अपना है लौकी, उससे सिद्ध मुद्ग और
थोड़ा सा दलिया वगैरह डाल के ये सारे यूज कल्पनाएं शुरू की. उसमें जो हमारा दाढ़ी मास्टक है, कभी हिंगवा स्ट्रक्चर ने, कभी त्रिकुटू का थोड़ा सा पार्ट, ऐसे डाल के अलग अलग उनको डाइट दिए, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. पेशेंट को वीकनेस नहीं आया और नाउ ही इज मोर देन 1.50 लैक्स के ऊपर उनका प्लेटलेट काउंट भी. और WBC सबसे मेन, पहली बार उनका 1. जो 3,500 या 4,000 होता था वो 4,000-5,000 के ऊपर गया. तो इसका मतलब मज्जा और स्रोतस भी हमने ये कर लिया है, क्योंकि पेशेंट ओरिएंटेड है, अभी बार बार सोता नहीं है, घूमते हैं वो. बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर उनको. अभी मैं बस्ती का प्लान कर रही हूँ, क्षीरबला बस्ती और शायद तिक्त क्षीर बस्ती, ऐसे व्यक्ति के साथ मात्रा बस्ती देना चाहूंगी. लेकिन वहां पे यहाँ से बहुत दूर है पेशेंट, तो कोई मिलना चाहिए कि जो मेरे इंस्ट्रक्शन सुने और अच्छा कुछ यूज करे तेल. अभी वो रेडी, 4th महीने में रेडी हुआ है कि हाँ हम बस्ती देखे देख सकते हैं करके, तो शायद इसके बाद में और अच्छा रिजल्ट मिले. डायबिटीज तो एब्सोल्युटली नॉर्मल आया सर, 120 शुगर आया उनका, और पोस्ट पीपी भी उनका मतलब 160-150 भी नहीं, एब्सोल्युटली ओके. मतलब अच्छा खाना भी खाने लग गए हैं वो. बस उनको ये बोला है कि इतना फेथ रखे कि सॉलिड डाइट पे इमीडिएटली मत आइए, थोड़ा सा जब भूख लगे तो थोड़ा बहुत दीजिए, सुन रहे हैं वो अभी. ठीक है, थैंक यू. एक कविता पाटिल जी कोई आई है, आप पेशेंट है कि डॉक्टर है? कविता पाटिल जी कृपया अपने बारे में बताइए. कविता पाटिल जी. हाँ हेलो सर. हाँ आप कौन है, अपने बारे में बताइए. हेलो नमस्कार सर, मैं डॉक्टर कविता पाटिल हूँ, BAMS के हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ. हाँ तो आप अभी यहाँ पे ग्रुप में? हाँ सर, मैं इसी महीने ज्वाइन किया. फेसबुक से आपका नंबर मिला मुझे आपका. अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा. तो आप अभी क्या प्रैक्टिस करती हैं आयुर्वेद का? हाँ सर, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, 4-5 साल से करती हूँ. बच्चे छोटे थे तो बीच में गैप हो गया था, अभी फिर से स्टार्ट कर दी. अच्छा, तो आप नांदेड़ में करती हैं? नांदेड़ में, देगलूर में करती हूँ सर. देगलूर में. आप मेरे क्लास में डॉक्टर श्रीराम बिरादर को जानती हैं? श्रीराम बिरादर हाँ मालूम है सर, वो जनरल प्रैक्टिस करते हो ना. हाँ, और वो डॉक्टर संतोष आत्मेलवार डॉक्टर. हाँ हाँ सर, वो भी पता है सर. हाँ, और डॉक्टर वो MO है यहाँ पे गवर्नमेंट में, PSC. हाँ, में. और डॉक्टर सुधाकर रेड्डी. हाँ, सुधाकर रेड्डी. हाँ सर, वो भी. हाँ हाँ, वो मुकरामबाद मुखेड़ तालुके में करते हो प्रैक्टिस. हाँ, सुधाकर रेड्डी मेरे क्लासमेट है, हमने साथ में BAMS किया था. अच्छा, ओके सर, ओके. हाँ, आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ. अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, कोई आपके पास क्या पेशेंट है, आपने कैसे ट्रीटमेंट दिया? सर अभी एक पेशेंट था, उसको ईचिंग थी, एक फीमेल थी 25 years old की. उसने एलोपैथी पूरा ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उसको कुछ मतलब जब लिया स्टीरॉइड. आवाज गया, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? कविता पाटिल एंकल तो लघुमंजिष्ठ आदि आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन और त्रियुक्तादि लेह ये स्टार्ट किया, तो उसकी ईचिंग कम है और जो पैर फटते थे उसके और ब्लीडिंग होती थी पैर से, तो वो भी कम है सर. आज ही उसका फोन आया था, कल फॉलोअप के लिए आने वाली है वो मुझे मेरे पास. आपने क्या क्या दिया मेडिसिन? मैंने लघुमंजिष्ठ आदि दिया था सर जी, आरोग्यवर्धिनी दिया था, सूत शेखर दिया था, गंधक रसायन दिया था और त्रियुक्तादि लेह दिया था सर. अच्छा, बहुत अच्छा. रक्तज दृष्टि मतलब उसका खान पान ठीक नहीं था सर, तो अग्निवांद्य था उसको. हाँ. ये सोच के मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया था और आम पाचक वटी भी ऐड किया था उसमें. अच्छा, बहुत बढ़िया. तो और ऐसे केसेस सक्सेस स्टोरीज आप बताते रहिएगा आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म पे. ओके सर, और मैं जमद अग्नि सर की स्टूडेंट हूँ सर, उनके पास ज्यादा देर नहीं, एक महीना ही किया था, लेकिन उनके एक स्टूडेंट है अमृतवाड़, डॉक्टर अविनाश अमृतवाड़ बोल के नांदेड़. हाँ, में करते हो ना, उनके पास मैंने 2 साल किया था सर प्रैक्टिस. और सर से नहीं मिली कभी? जमद अग्नि सर से मिली हूँ सर, वो कोल्हापुर में ना विश्व पंडरी. हाँ, वहां पे मिली हूँ सर मैं. अच्छा, मैं सर के पास 12 साल किया हूँ. नहीं सर, मैं 2 ही महीना की सर के पास, लेकिन उनके जो स्टूडेंट है अमृतवाड़ सर, उनके पास की 2 साल किया था सर मैंने उनके पास. बहुत अच्छा.
और जो मैंने आपको नाम बताए मेरे क्लासमेट के, उनसे बात होती है आपकी? हाँ सर होती है। और श्रीराम बिरादर सर अभी यवतमाल शिफ्ट हो गए, वो CHO बोल के ज्वाइन हो गए उधर। हाँ, तो उधर शिफ्ट हो गए। बाकी वो आत्मिला सर यहाँ पे ही है देगलूर में ही, और वो रेड्डी सर है, उनकी कभी कभार बात होती। और एक डॉक्टर दीपाली काकड़े मैम है। दीपाली काकड़े वो नहीं पता सर मुझे, वो इधर आयुष दर्पण पे आती है हमेशा, अभी नहीं आ रही। उनकी बेटी MBBS कर रही है यहाँ पे DY पाटिल कॉलेज पुणे। अच्छा सर, उनका मालूम नहीं है सर मुझे, ये तीनों पता है मुझे। आप उन तीनों से मेरे बारे में पूछे कि मैं याद हूँ कि भूल गए। अच्छा ठीक है सर, मैं बोलती आपको नेक्स्ट सेशन में बोलती सर जरूर। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर आयुष दर्पण पे आके। हाँ, और यहाँ पर हम आपको रोज बुलाएंगे, आपको सुबह अष्टांग हृदय की टीका भी पढ़ना पड़ेगा। ओके सर चलेगा, कोई बात नहीं। वो सुबह मुझे खाना बनाना पड़ता है, लेकिन जितना मैनेज हो सकता है उतना कर लूंगी मैं सर। हाँ ठीक है, आइए वेलकम। ओके सर, थैंक यू सर। एक दीक्षा आनंद जी कोई आई हैं, दीक्षा आनंद जी आप अपने बारे में बताइए। दीक्षा आनंद जी आप कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए। हाँ जी सर, मैं ना मम्मा बोलिए। प्रणाम सर, मैं डॉक्टर शैलजा बोल रही हूँ। दीक्षा एज पेशेंट ही आई है, मेरी बेटी है, तो उसका थोड़ा सा केस डिस्कस करना था, अगर आप अलाउ करें तो। ठीक है, अलाउ करते हैं ना, आप वीडियो ऑन करवाइए। हाँ जी हाँ जी। कंचन मैम आपका केस टेकिंग करिए प्लीज। सर ऐसे इसका ना प्रॉब्लम क्या है कि एक तो थोड़ा ओवरवेट है और ग्रेइंग ऑफ हेयर है। ठीक है, वीडियो ऑन करवाइए तो कंचन मैम केस टेकिंग करेंगी। क्या हुआ, वीडियो ऑन करने आता है जूम का? हाँ जी सर। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कंचन मैम, आप कृपया केस टेकिंग करिए। हेलो बेटा। गुड इवनिंग मैम, आवाज आ रही मेरी? आवाज थोड़ी कम आ रही है। आपका नाम क्या है? दीक्षा आ रही है, एक मिनट। दीक्षा आप क्या पढ़ते हो? BMS थर्ड ईयर। BMS कर रहे हो? हाँ जी। BMS मतलब आयुर्वेद कर रहे हो या दूसरा कोई डिग्री है? BAMS आयुर्वेद। आयुर्वेद कर रहे हो। आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैम मेरे बाल, जैसे एक पैच है जहाँ पे बाल ग्रे हो रहे हैं, एक साइड पे ठीक है और दूसरी साइड पे जैसे पहले कम थे अब ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये कब से हो रहा है? वैसे तो +1 +2 में स्टार्ट हो गए थे, पर तब जैसे 2-3 या 4 थोड़े बहुत बाल थे, पर अब कुछ टाइम से बढ़ी जा रही है। जैसे पहले मैं इस साइड पर पार्टीशन करती थी, अब पर ज्यादा होने की वजह से इधर करने लगी, मतलब ज्यादा बढ़ रही है। कलर वगैरह नहीं लगाया था ना आपने? नहीं कभी नहीं। आप हॉस्टल में रहते हो या घर पे है? घर पे। रात्रि का जागरण करते हो, स्टडी करते समय? वैसे डेली रूटीन में 12 बजे सोना होता है, पर जैसे एग्जाम्स वगैरह के टाइम काफी लेट हो जाता है कई बार, जैसे इस बार हुआ था कि पूरी रात ही जागना, एग्जाम्स में होता है वैसे इतना नहीं। ठीक है, और दिन में सोना बहुत होता है तो वही कम करो ना, दिन में सोना कम करके दिन में स्टडी को करते हैं, रात को जागते नहीं है। थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज करना पड़ता है, मतलब 24 आवर्स है ना हमारे पास, तो 8-8 घंटे का ऐसे पूरे बना देना, जैसे कि 8 घंटे रात की नींद, 8 घंटे सुबह, 2 इसमें डिवाइड हो जाते हैं फिर से, मतलब 16 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे आप जैसे मैनेज करो वैसे स्टडी कर सकते हो, 8 घंटे आप आपका कॉलेज है, क्लासेस है, जो भी है वो अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टडी ऐसे डिवाइड करना है, तो आपको अच्छे से पढ़ना भी हो जाएगा, आपका हेल्थ भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रात्रि का जागरण है और दिन में उसकी वजह से जाग रहे होंगे तो दिन में सो रहे होंगे, वो भी गड़बड़ है। अभी आप आयुर्वेद पढ़ ही रहे हो ना, तो आपको खुद पे भी लागू करना है सबसे पहले ये, तो क्योंकि खुद पेशेंट बन के हम
बाकी लोगों को ट्रीट करें, उससे अच्छा हम हेल्दी रहे और बाकी लोगों को सिखाए कि कैसे हेल्दी रहना है, ठीक है। और आपके खाने में क्या क्या चीजें जा रही है, फिर आप चाय कॉफी का इंटेक ज्यादा है क्या? नहीं, चाय तो बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत ही कम, कभी साल में 3-4 बार। कॉफी कभी कभी हो जाता है, वो भी कम। स्पाइसी चीजें खाते हो? हाँ जी, स्पाइसी चीजें खाते हो ज्यादा? हाँ जी, बाहर स्पाइसी अच्छा लगता है? ईद किया वैसे बाहर का खाना। पर क्या खाते हो ज्यादा, पिज्जा बर्गर क्या अच्छा लगता है? चाइनीज सब कुछ सब खाते हो? घर के खाने में क्या खाते हो फिर? पिज्जा बर्गर खाया तो घर का खाना नहीं खाते होंगे फिर? घर का खाना भी खिलाते हैं। ठीक है, दही वगैरह खाते हो ज्यादा? ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं, पर वैसे खा लेती हूँ। सुबह तो आप लेट ही उठ रहे होंगे ना, कितने बजे उठते हो? 7 बजे कॉलेज जाना होता है ना, तो 7 बजे उठ जाते हैं। तो रात का कुछ फिक्स नहीं होता आपका कि कितने बजे सोने वाले हो, है ना? 11-12 बजे, 12 के पास। फिर आपका ब्रेकफास्ट कब होता है, लंच कब होता है, डिनर कब होता है? ब्रेकफास्ट घर से जैसे दूध पी के जाती हूँ, कॉलेज में ब्रेक होती है 12-1 बजे के पास, तो सुबह का नाश्ता वही होता है। उसके बाद शाम को घर आके 7 बजे 6-7 बजे के आसपास रात का, उसके बाद रात को दूध लेते हैं, बीच में फ्रूट वगैरह। जैसे सुबह फ्रूट और फ्रूट वगैरह साथ में खाते हो खाने के? नहीं, जैसे घर आए 5 बजे तो अलग होता है। आपके पीरियड्स वगैरह कैसे आते हैं? नॉर्मल, बिल्कुल एक नॉर्मल है। बार हुआ है कि जैसे 2-2.5 दिन रहे, उसके बाद 2 दिन बिल्कुल ठीक है, उसके बाद लास्ट डे जैसे स्पॉटिंग होती है ऐसे 2 दिन बाद, जैसे ब्रेक के बाद। अब गुस्सा आता है आपको कभी या शांत हो एकदम? नहीं, ऐसे ज्यादा कभी नहीं, नहीं। फ्रेंड्स है आपके? हाँ जी। जमती है फ्रेंड्स के साथ? हाँ जी। मतलब आप, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, क्लोज फ्रेंड्स वगैरह हैं सब? हाँ जी, हाँ जी है। आपकी आवाज नहीं आ रही। फ्रेंड्स हैं सेकंड क्लास से भी, बहुत छोटे होते से सारे हैं। अटैच रहते हो सब फ्रेंड्स के साथ ना, घुल मिल के रहते हो, ठीक है। आपके मोशन सुबह हो जाती है आपको या फिर टाइम फिक्स है? नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, कई बार सुबह हो जाते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठ गए, पानी वगैरह पी लिया तो हो जाती है, नहीं तो ऐसे फिक्स टाइम नहीं, कई बार शाम को। हार्ड पास हार्ड होती है फिर मोशन पास? नॉर्मल, ठीक। यूरिन कैसे हो रही है? कई कभी कभी जैसे पानी कम पी आ गया तो येलोइश, वैसे नॉर्मली होती। जलन वगैरह होती है यूरिन में? प्यास वगैरह लगती है अच्छे से, भूख प्यास? भूख अच्छे से लगती है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, भूख अच्छे से लगती है। प्यास भी लगती है? प्यास भी लगती है, भूख भी। चॉकलेट्स वगैरह क्या खाते हो जब? चॉकलेट्स वगैरह भी खाते हो ज्यादा? ज्यादा नहीं, कभी कभी चॉकलेट्स खास नहीं। टेंशन वगैरह रहता है स्टडीज का या फिर बाकी चीजों का भी लेते हो? नॉर्मल रूटीन में तो नहीं रहता, पर जब एग्जाम्स होते हैं तब बहुत होता है, तब तो पूरा पूरा दिन जैसे बैठे रहो पढ़ते रहो, टेंशन टेंशन तब बहुत होती है, पर ऐसे नॉर्मल रूटीन में नहीं। आपको एसिडिटी के वगैरह कभी शिकायत होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा जलन होना छाती में? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है। एसिडिटी
ऐसे नहीं होती, पर बहुत ज्यादा कभी हो गया कि बाहर का खा लिया है, ज्यादा ही स्पाइसी खा लिया, तब कभी, वो भी बहुत कम। तो फिर आप कोई मेडिसिन लेके उसे सप्रेस करते हो क्या? क्या कोई टैबलेट्स वगैरह, जैसे पेन 40 है, कोई पेंटाप्रोजोल वगैरह का टैबलेट लेके सप्रेस करते हो क्या एसिड को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते, बहुत कम। आपको वोमिटिंग बहुत कम होती है, ठीक है। आपको कभी जैसे चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह कुछ फीवर, मलेरिया फीवर ऐसे कुछ हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले वायरल हुआ था, पर वैसे ऐसे टाइफाइड या कुछ वैसा। बाकी टीबी वगैरह ऐसे कोई बीमारी? अस्थमा वगैरह की हिस्ट्री कुछ? नहीं कुछ। कुछ नहीं। आपके नेल्स वगैरह कैसे रहते हैं, मतलब जल्दी कट जाते हैं या अच्छे रहते हैं? ऐसे तो अच्छे रहते हैं, पर अगर ज्यादा लंबे कभी की पल्ले करती थी अब तो जैसे टूट तो भी ऐसा ज्यादा लंबे कर लो तो रहते हैं। अच्छी है, मतलब बालों की ग्रोथ भी अच्छी है, मतलब है ये है कि कटिंग करवाई है तो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, बस एक पैच जल्दी बढ़ जाते हैं। और आपके बाल ऐसे ठीक है ना, एक एक बाल ऐसे ठीक है ना? हाँ लंबा लंबा, हाँ ठीक है, और ग्रोथ भी अच्छी है, ठीक है। आप अगर आपके खाने पीने में जो स्पाइसी चीजें, पिज्जा, दही वगैरह जो भी जंक फूड खा रहे हैं ना, सबसे पहले इसे बंद कर दो, है ना? तो आपको जो ट्रीटमेंट देंगे ना, तो उससे आप पूरे ठीक हो जाओगे। और आपकी स्टडी का जो मैंने बताया था कि वो 8-8 आवर्स में, जैसे दिन को डिवाइड करके उसको आप बराबर आपके हिसाब से उसको एडजस्ट करो, बहुत टाइम होता है। 8 घंटे सो के भी आपके पास 16 घंटे होते हैं, उसमें 8 घंटे का कॉलेज अटेंड करके भी आपके पास 8 घंटे होते हैं। तो बस हम उसको कैसे वेस्ट करते हो हमें पता होता है ना? तो उसको थोड़ा मैनेज करो और 8 घंटे का नींद लो अच्छे से, बाकी लोग भी आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? मेरे साइड से तो हो गया सर, किसी को क्वेश्चन करना है? शशि तिवारी मैम, आप कुछ बात करना चाहती हैं? शशि मैम अगर खाना नहीं बना रही हैं तो बात करिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मैं बात करती हूँ। हाँ जी बेटा, आप जो बताया सारी बातें, उसके अलावा आपको कोई और भी तकलीफ होती है तो आप बताइए, जैसे आपकी नींद वगैरह कैसी आपको आती है? क्योंकि ये तो बहुत सारे आपको मिल गए हैं, क्योंकि आप बीएमएस कर रहे हैं तो आपको खुद ही पता है ना? हाँ जी, नींद बहुत ज्यादा आती है, जैसे रात को अगर सो भी लिया, 8 घंटे सो लिए, 9 घंटे सो लिए, दोबारा मुझे सुलाना है, मैं सो जाऊंगी, ऐसे नींद का कुछ नहीं, 2 घंटे बाद फिर से सोना है, नींद बहुत आती है, या फिर शायद आदत लगी है सोने की। ये प्रॉब्लम आपको कब से हो रही है? बालों की नहीं, बालों की नहीं, जैसे ये प्रॉब्लम की भाई हम 8 घंटे एक बार हम उसमें पढ़ते हो ना कि कोई भी चीज किया, चाहे मतलब किसी नेचुरल अर्जेस को क्लियर किया, चाहे हम सोकर उठे, वो भी हमारा एक वो है, निद्रा का भी भेग है। तो जब नींद से आप उठ गए, फ्री हो गए, तो फिर बार बार नींद क्यों आ रही? मतलब आपने आयुर्वेद में पढ़ा ना तंद्रा वाली सिचुएशन, मुझे लग रहा है जैसे आपके साथ है। तो ये प्रॉब्लम आपको कब से आ रही है? ये वैसे जैसे मेरा रोज सुबह का सोने का है ना, तो मैं कॉलेज जाती हूँ, बस से आना जाना होता है, तो बस से वापस आने टाइम थकावट हो जाती है, तो उस वजह से फिर आके बस सोने, थके हुए हो तो फिर लेट जाती हूँ, उसके बाद फिर सो जाती हूँ। अगर तो कुछ और काम करने लग जाऊं, घर से बाहर चली जाऊं, तो मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि मुझे नींद लेनी है, बिजी हो जाओ तो ठीक रहता है, पर अगर बैठ के तो फिर सो जाती हूँ। इसका मतलब दो चीजों की कमी है, एक तो लाइफ में जो एम है या मोटिवेशन है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है? क्योंकि जब आप पढ़ते हो आयुर्वेद में कि दिवाशय निषेध है, तो फिर उसको छोड़ना है, तो उसका तरीका यह है कि हम पढ़ भी रहे हैं मान लो, तो उस टाइम कुछ वैसा काम कर लिया जो घूम फिर कर करना है, या तो हम चेयर पर बैठ गए, तो चेयर पर अगर मैंने नैप आए भी तो वो 10-15-20 मिनट से ज्यादा की नैप नहीं होती है। चेयर पर बैठ कर आप 2 घंटे नहीं सो सकते, बिकॉज आपकी फिर गर्दन दर्द करने की, जैसे आप सोते हो तो फिर तो आ जाता है ना, रिलैक्स पोजिशन तो नहीं होती है। तो एक तो आपको दिवाशयन का निषेध करना है, और जैसे मैम ने कहा, कंचन मैम ने, और आप पढ़ते भी हो चुके स्टूडेंट, तो आपको पता है कि रात में जल्दी सोना है, मीन्स हमारी जो बॉडी है एक्चुअल में चलती नेचर के हिसाब से, वो तो हमने घड़ियां बना रखी ना कि भाई ये चीज है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हमारी बॉडी का, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो साइन है सन के हिसाब से, मतलब सूरज के हिसाब से हमें उठना है, सूरज के हिसाब से हमें सोना है।
तो आप जब इस तरीके से करोगे तो बेटा एक चीज और अच्छी होगा, जितना ज्यादा आप सनलाइट में पढ़ोगे, डे लाइट में पढ़ोगे, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं होंगे। ये मेरे फ्रेंड का आजमाया था, उसको आज तक डार्क सर्कल्स नहीं हुए, क्योंकि उसका नियमित था सुबह से पढ़ती थी, और ये हमारे आयुर्वेद में चूंकि लिखा ही हुआ है तो ये चीज करना है। और जो आपका नेचुरल अलर्जीज का है कि जैसे सुबह आपका प्रेशर कभी आता है टाइम पर, कभी नहीं आता है, और पानी पीते हो या चाय पीते हो, तो ये भी एक तरह का कॉन्स्टिपेशन है। तो आप रात में जब जल्दी सोएंगे और सुबह आपका उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, वो चीज धीरे धीरे बॉडी की एक आदत होती है, क्योंकि आयुर्वेद पढ़े तो आपको पता है बॉडी के अंदर खुद गॉड ने हीलिंग कैपेसिटी दे रखी है, बट हम उसको उस मोड पर लाते हैं तो वो काम करती है। अगर हम उल्टा पुल्टा करते हैं तो वो फिर काम नहीं कर पाती। तो आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को या अपनी बॉडी के जो आपका डेली रूटीन है, जो आपने दिनचर्या पढ़ा हुआ है फर्स्ट प्रॉप में, उस दिनचर्या को आप सही से फॉलो करेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आत्मबल चाहिए होता है लाइफस्टाइल को मैनेज करने में। मतलब अगर हम रात को सो रहे थे, हमारा नियम बनाना है हम 12 बजे नहीं सोएंगे, हम 10 बजे सोएंगे, और उसके लिए हम दिन में नहीं सोएंगे, दिन में हम सोएंगे तो पक्का सी बात है रात में नींद नहीं आएगी। तो एक तो ये चीज है जो आपका नींद को लेकर है। एच बी कितना रहता है आपका बेटा? एच बी 11.5 कुछ था लास्ट दिन पहले कराया था। अच्छा, क्योंकि तंद्रा वाली सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं से हम या तो एनेमिक है, आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो हमारा रस धातु का प्रॉब्लम है कुछ न कुछ। ठीक है, आगे तो ये है ग्रेइंग हेयर हो रहा, दिस दैट हो रहा, तो ये तो बहुत लेवल पर जा चुका है। मतलब एक तरीके से समझेंगे तो हमारी कई बार बहुत सारी आदतें होती हैं, जो एक तो सोना उठना, फिर आपके जंक फूड होते हैं बच्चों में, है ना, फिर एग्जाम की एक्सेसिव स्ट्रेस होती है, और भी कुछ अलग अलग इश्यूज भी होते हैं, पीरियड के भी आपके बहुत थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, है ना? ज्यादा नहीं, बस ये कुछ 3-4 बार हुआ लास्ट। नहीं, वो नहीं होना चाहिए ना, 3-4 बार भी हुआ बच्चों में तो मतलब एक फिक्स टाइम है, उस टाइम पर आना है, क्योंकि आपने पढ़ा तो आपको पता है कि इतने का साइकिल है और हमारा इसी पैटर्न पर चलना है। अगर हमारा इस पैटर्न से डिफरेंट हो रहा है, इट मीन्स कि बॉडी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रही है। ठीक है, बॉडी के पास तो थोड़े ही तरीके होते हैं ना, जब कहीं कुछ मेजर प्रॉब्लम होती है तो पेन के ही तो सिग्नल देती है, है कि नहीं? तो उस सिग्नल को जब आप इग्नोर करेंगे तो बॉडी फिर हिल अप नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपकी मेडिसिन चलेंगी, लेकिन मेन आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो आपकी अपनी लाइफस्टाइल चेंज होगा। लाइफस्टाइल चेंजेस आप खुद चाहोगे तो कर पाओगे, हम कहें या मदर कहें उससे नहीं लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। क्योंकि अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया ना, आप इस प्रोफेशन में हो ना, आप किसी भी पेशेंट को जब एडवाइस भी करोगे ना तो आपको लगेगा मैं तो फॉलो नहीं करती थी, ये क्या करता होगा, कह दिया इसने, क्या सच में फॉलो किया। और जब हम 3 मंथ तक एटलीस्ट बॉडी को अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो बॉडी में जब चेंजेस आता है तो हमें पता होता है हाँ हमने ये किया था, ये रिजल्ट आया है, तो पेशेंट करेगा तो उसमें भी आएगा, है ना? कॉन्फिडेंस की शुरुआत या किसी चीज को प्रूव करने की शुरुआत खुद से होती है, तो पहले हम खुद पर चेंज करेंगे। जैसे गांधी जी का वो बड़ा अच्छा सा सिस्टम याद रहता है ना, वो गुड़ वाला, कि एक मदर लेकर आई अपने बच्चे को तो बोला कि गुड़ बहुत खाता है, गांधी जी ने कहा इसको 15 दिन बाद लाना, क्यों? क्योंकि खुद गुड़ खाते थे। तो पहले हमें खुद सोचना होता है क्या मैं चेंज कर सकती हूँ, तो जब मैं खुद नहीं चेंज कर सकती हूँ तो पेशेंट कैसे करेगा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मेन वजह आपका यही, तो आप ये चीज करोगे। और कोई तकलीफ बच्चे आपको, कंसंट्रेशन बनाने में प्रॉब्लम आती हो, या लगता हो कि पढ़ते जो है उसको जल्दी भूलते हैं, या ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये सब सारी चीजें ओके हैं? हाँ जी। आपकी हाइट कितना है बेटा? हाइट 5'6" शायद, का नहीं पता। 5'6" हाइट है। और वेट कितना है? वेट 71-72 होगा। ज्यादा है थोड़ा सा जी। ये बैठे पहले +1 +2 तक ठीक था, उसके बाद एक साल ड्रॉप किया था, तो फिर वो चंडीगढ़ गई थी कोचिंग के लिए, तो वहां पे बिल्कुल ही बैठना होता था पूरा दिन, तो वहां पे 10-15 kg गेन हुआ था, तो वही उसके बाद थोड़ा कम हुआ यहाँ पे आके 5 kg तक, उसके बाद पर और कम नहीं हुआ। मतलब मैं तो अभी भी तो जैसे कॉलेज स्टेशनरी हो जाता है, घर पर आप बैठकर पढ़ते हो गए, चलते फिरते हुए तो नहीं पढ़ते ना? नहीं, बैठ के। बेस्ट तरीका है नोट्स ऐसे ऐसे पतले पतले बना लो कि जिसको चलते फिरते हुए पढ़ सको, क्योंकि अगर वेट इसी उम्र से बढ़ना शुरू हुआ ना तो कई बार आपका वेट का जो फर्क होता है या बार बार चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से भी पीरियड में इरेगुलरिटीज आती है। ठीक है, आपको खुद पता है, क्योंकि थर्ड प्रॉप में जब आप आ जाते हो तो बहुत कुछ एटलीस्ट आपको पता होता है, यू हैव टू फॉलो दैट। बस डाइट में ये ख्याल रखिए और प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। प्रोटीन रिच मतलब वो मैं पाउडर वाला नहीं कर रही हूँ, और नॉन वेज और एग और सोयाबीन की बात नहीं कर रही हूँ,
मीन्स जब आप खाना खाते हो तो उसमें यह रखा कि जैसे दाल उल खाया उसमें चावल डाला, मतलब जिस वक्त हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है उस वक्त हमने वैसी कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाई, और जिस वक्त हमें लगता है कि नहीं ज्यादा अभी काम तो नहीं करना है, अभी थोड़ा सा बैठना ही है या सोना ही है, तो उस वक्त थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का जो इनपुट है वो कम किया, फाइबरस फ्रूट लिया, जैसे आपके फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनसे ज्यादा पेट भरे आपको खुद ही पता है ना, तो उस तरीके से नहीं, और मूव करते रहेंगे थोड़ा सा और ये सोचेंगे नहीं मैम चेंज हो रही हूँ, या एक साइज छोटे कपड़े पहनने के दिमाग में इमेजिन करना तो उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है, थोड़ा सा वर्कआउट करना। और थायराइड प्रोफाइल वगैरह सब ठीक है आपके, टेस्ट वगैरह कुछ हुए हैं? नहीं नॉर्मल है सब, टेस्ट हुआ नहीं, थायराइड नॉर्मल है, ब्लड के जितने टेस्ट हैं सारे नॉर्मल हैं, ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी है आरएफटी एलएफटी दिस दैट सब नॉर्मल ही था। और भूख वगैरह कैसी लगती है बच्चे आपको? भूख अच्छे से लगती है। और जो खाते हो अच्छे से पच भी जाता है? हाँ जी। तो कई बार ऐसा होता है कि खाना क्रेविंग हो रही सो हमने खा लिया, हमको भूख लगी सो हम खा रहे हैं, भूख बना जो है उस पे डिपेंड करता है। हाँ तो ये क्रेविंग का हुआ ठीक है, तो क्योंकि वेट लॉस करना चाहते हैं ना तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, हमको भूख जो लगी है उससे थोड़ा सा कम खाएंगे है ना, बॉडी को आपको खुद ही पता है ना, त्रिविध कुछ अध्याय में बताया है चरक जी ने भी मानसस्थान में कि हमें कितने कितने पार्ट को कैसे कैसे फिलअप करना है, तो थोड़ा सा उसको भी फॉलो करिए, तो ये बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी तब वेट लॉस होगा। वेट लॉस जल्दी नहीं होता है बच्चों में भी आजकल, क्योंकि एक स्ट्रेस फैक्टर भी होता है, एक हमारी कुछ मजबूरियां होती है कि मैं बैठकर पढ़ना ही पढ़ना है, तो बहुत कुछ को चेंज करेंगे तब आपका चेंज आएगा ठीक है। ऐसे मैं जब सैर वगैरह शुरू करती हूँ ना थोड़े बीच बीच में थोड़ा वो मोटिवेशन आती है करने की, तो जैसे रोज के 7,000-10,000 स्टेप्स शुरू करती हूँ, एक महीना भी फॉलो कर लूँ ना मतलब अच्छे से, या खाना पीना भी बंद कर दूँ बाहर का, तो फर्क दिखने लग जाता है, काफी जल्दी फर्क पड़ता है, पर फिर दोबारा देखो इतना तो पता है ना कि जहां पर भी आप मैदा वाला कोई सब्सटेंस खाओगे चाहे बर्गर पिज्जा चाउमीन दिस दैट जितनी नौटंकी है उन सब में अदरवाइज नहीं बोला मैं इसको ऐसे ही बोलती हूँ नौटंकी वाले फूड, क्योंकि जब भी आप खाते हो इसमें आपको कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसमें आपको कोई फाइबर नहीं मिलता, और रियल में सोचो तो इसमें कोई नरिशमेंट भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारी चीजें आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड हैं, है ना, आपको पता ही है प्रिपरेशन क्या है, तो प्रोसेस्ड फूड जो है जंक फूड फूड है, और आपका जो पैकेज्ड फूड है वो सारी चीजों में न्यूट्रिशन नाम की चीज तो है नहीं। अगर ब्रेड पर लिखा फोर्टिफाइड ब्रेड तो उसमें वो अलग से ऐड किया बट उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रियलिटी में नहीं है। तो आपको जो बिल्कुल इंडियन एथनिक खाना है, मतलब आप जहाँ को भी जिस स्टेट को जिस एरिया को बिलोंग करते हैं जो आपके घर का खाने का तरीका है नेचुरली वो खाइए। जंक फूड वगैरह महीने का नियम बना लो कि एक बार खाएंगे थोड़ा सा खाएंगे, सिर्फ टंग के लिए खाएंगे, पेट नहीं भरेंगे, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा ठीक है, और अपनी लाइफ स्टाइल को करिए ओके बच्चे। हाँ जी। और कोई प्रॉब्लम? नहीं बस यही है। और कोई विरुद्ध आहार तो नहीं सेवन करते ना, और चीजें जैसे आपको आयुर्वेद में पढ़ा है ना दूध के साथ ये नहीं खाना या उसके साथ वो नहीं खाना? नहीं नहीं। चलो गुड सर, मेरी तरफ से तो हो गया है। आप पापड़ और अचार ज्यादा खाती हैं? नहीं पसंद नहीं है। और वेट कितना ज्यादा है आपका अभी? वेट 71 भी हो सकती है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। मतलब कितना एक्स्ट्रा वेट कितना है? ऐसे नहीं पता। अच्छा मतलब बहुत पीछे बीच से बहुत मोटी है क्या? ऐसे दूर से दिखाइए अपने आपको, ज्यादा ओवरवेट तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है। तो शैलजा मैम आप क्या दे रही हैं मेडिसिन इनके लिए? शैलजा आनंद मैम प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आप क्या दे रही है मेडिसिन इनको? सर ऐसे है कि इसने ना पहले तो इसका मैं निदान का मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि दिन में नहीं सोना पिज्जा बर्गर वगैरह का, तो वो फिर मतलब फिर भी बच्चा है तो अपने पेरेंट्स में से उतनी नहीं मानता, इसीलिए आज खुद भी कह रही थी कि मेरे को भी वहाँ संभाषा में लेके जाओ, मैं भी बात करूंगी, मोटिवेशन मिलेगा, तो अभी फिर मैं आप सबकी गाइडेंस में मैं इसको लेके आई हूँ। और बाकी ये खाने में पहले मेदों और गूगल वगैरह आरोग्य वर्धनी इसने स्टार्ट की थी तो उसमें से फर्क पड़ा था, इसको सैर वगैरह और बाहर का खाना जब बंद करती है तो फर्क पड़ जाता है। और बालों के लिए इसका त्रिकटू चला था, भृंगराज चूर्ण चला था, और महाभृंगराज तेल का सप्तामृत लो,
ये सारा लिया, लेकिन ये रेगुलर नहीं लेती है, मतलब लेती है फिर थोड़ी देर बाद लेके फिर बंद कर देती है। तो इसलिए फिर मेरे को था कि मतलब आप सबसे, आप जैसे मोटिवेशन अभी कल से वो मिला है मोनिका मैम। मैम ने बहुत अच्छा एक तेल बताया था, हाँ याद है जी, कौन वो सा? प्रपौंडरिक आदि तेल, उसके वो लगाने से अच्छा हो जाएगा बाल, और नस जी, से भी अभी तक देंगे। हाँ नस से किस चीज का देना सर? सर नस से, कल मोनिका मैम कल का कौन सा? प्रपौंडरिक आदि तेल, वो मैम ने ग्रुप में भी भेजा था उसका रेफरेंस, आर्यवैद्यशाला कुट्टिकल का आता है प्रपौंडरिक आदि तेल, ठीक है सर। हाँ जी, वो और सर नस लगा शीर वाला तेल का? नहीं, नीली भृंगादि तेल का, अगर दे 101 आवर्ती वाला अगर मिले तो वो बहुत अच्छा है, उससे बाल जो है ना नए नए बाल आएंगे और काले काले बाल आएंगे। और नरसिंह रसायन या नरसिंह चूर्ण दे दीजिए, भृंग राजा सब दे दीजिए, और नमक ज्यादा खाती है, खट्टा ज्यादा खाती है वो बंद कर दीजिए, और पूरा ठीक है। इनका दिनचर्या बदल दीजिए, जल्दी सोएं जल्दी उठें, पढ़ाई करना है हाँ तो जी सुबह ही पढ़ाई करना है, ठीक है। हाँ जी और इनको सुबह लेके आइए ना हमारे सेशन में, कितना मजा आता है माधव निदान की क्लास में। हाँ, सुबह मैं कहती होती हूँ इसको, पर ये थोड़ा सा मतलब कॉलेज जाना होता है तो फिर उस टाइम रेडी हो रही होती है, 8 पौने 8 घर से निकलती है ये। अच्छा, ठीक हाँ है, जी लेकिन रात को नहीं सोना है, जल्दी सोना है, 12 बजे के बाद क्या सोना है, फिर सोए हाँ में जी जागते रहे। आशा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए, आशा मैम, डॉक्टर आशा टंडेल मैम आप कुछ बोल रही हैं। हाँ जी सर, इसमें एक जी प्रणाम सभी को। इसमें ना सर जासवंद ऑयल और नीली भृंगियादि तेल के साथ लगाने से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जासवंद का भी बालों को काला करने में काफी अच्छा रोल है। हाँ हिबिस्कस फ्लावर, जास्वंद ऑयल, ठीक। मैम ये कौन सी कंपनी का मिलेगा? ये डॉक्टर उर्जिता जैन का आता है, वेद पार्डन, कौन से किनका? दूंगी ग्रुप ग्रुप में, में डाल दीजिए, ग्रुप उर्जिता ठीक है जैन ठीक का है आता है, डॉक्टर जैन, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। जी। ठीक है, बाकी नसें हाँ वगैरह तो सर ने बहुत अच्छे से बताया है, ट्रीटमेंट प्लान बहुत अच्छा है, और उसी को आप शशि मैम फॉलो कुछ कीजिए। लिख रही हैं, शशि मैम आप क्या बताएंगी। सर वही मैंने पहले ही कहा था, एक्चुअल में मैंने इस पर आयुर्वेद की एक वर्कशॉप भी अटेंड करी थी, तो सिंपल सा जो मैंने इनको समझाया कि जो खाना ख्याल खाना है, सबसे पहला तो बिल्कुल नेचुरल डाइट खाएं, मतलब ये प्रोसेस वोसेस सारा बंद करें और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत एक्टिव करें। अगर बैठे रहेंगे तो उससे वेट गेन होता है, जो हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है कि अगर आप भारी भारी खाकर बैठते हो तो फिर वेट गेन होता है। और इनका जो रूट कॉज एक और चीज था कि जो लाइफस्टाइल की वजह से इनका मतलब मोशन टाइम पर नहीं होता, तो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, तो अभया रेस्ट ले सकती हैं, अच्छा काम करेगा, क्योंकि हरित की उसमें है ही, और हरित की जो है बहुत बढ़िया काम करती है, इस पर भी हेयर पर भी हरित की का बढ़िया है ना, मुझे अभी उसकी वैरायटी नहीं याद है, पर केश का एक सिस्टम है। और आंवला जो है सर वो हेयर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मतलब कुछ कुछ पेशेंट्स में तो ऐसा हुआ है कि उनके 3 मंथ के अंदर पूरे बाल व्हाइट थे तो ब्लैक हो गए हैं, और उनकी एज रही है 30-35 की, तो ये डिपेंड करता है कौन से पेशेंट को कितना अच्छा फायदा करता है, बट आंवले का सेवन जरूर करें। अभी जब मौसम आ रहा है, अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, तो आंवला वगैरह लें। और जैसे सर आपने अगर वेट लॉस करना है, या जैसे इनके पीरियड भी इधर उधर हुए हैं, तो आपने कई बार बताया ना सहचर तेल और सरसव तेल की बस्ती जो है, वो सारी चीजें ले सकती हैं, तो हाँ और ये सब दूसरा मैं बात है बता रही कि शैलजा मैम हूँ। आप अपनी बेटी को अनुरिता मैम के पास भेज दीजिए 3 महीने के लिए, अनुरिता मैम अच्छा खाना भी खिलाएंगी, सुबह उठाएंगी और क्रिकेट खिलाएंगी। सर मैं अडॉप्ट कर लूंगी हाँ सिंपल सिंपल, इनको वो नहीं अनुरिता मैम को भेजेंगे बेटी भी नहीं है तो इनको बहुत अच्छी लगेगी बेटी। नहीं मैम, एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, बेटा एक बात करनी थी आपसे, यू से कि इट्स अ मोटिवेशनल थिंग, या आपको कुछ एक बात बोलूँ? हाँ, बाहर से कुछ भी मोटिवेशन लेंगे ना तो तभी तक रहेगा जब तक आपके कानों में बातें रहेंगी, आप मम्मी का सुनेंगी, सर का सुनेंगी, सबका सुनेंगी, लेकिन लाइफ में ना हमारी है, और इस लाइफ में आपने जो भी 19-20 ईयर्स जो भी आपने अभी तक किए, तो अब तक जो भी है ना, हमें जो कोई भी बता रहा था हम उसके हिसाब से चले, बट नाउ यू आर वुड बी डॉक्टर, और आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे, आपको इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा पहले दूसरे साल में पता चला, मेरे भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी सुन रहे होंगे, मैं उनको जो बोलती हूँ, जो मेरे बच्चों को बोलती हूँ, मैं वही आपको भी बोल रही हूँ, जब आप आयुर्वेद को अपनाते हो या आयुर्वेद को आप जब एडमिशन लेते हो ना, तो आपको एक कॉमन लाइफ जो रहती है ना, कॉमन लाइफ मतलब अच्छा एंजॉयमेंट करना, अच्छा खाना, अच्छा दिखना, ये सारी चीज की बियॉन्ड आपका एक लाइफ रहता है, एक अच्छा डॉक्टर बनना, और अच्छा डॉक्टर मतलब जो किसी को लाइफ दे, अगर वो लाइफ आपको देनी है, अगर आपको किसी को दुख से दूर करना है,
तकलीफों से दूर हो तो सबसे पहले खुद को हेल्दी होना होगा। और जो मैडम ने अभी बताया, शशि मैम ने बताया, इतना अच्छा काउंसलिंग आपको करे, लेकिन बिलीव मी यू योरसेल्फ आर अ वेरी गुड मोटिवेटर। आप सबसे पहले ये कर लो कि मुझे मेरे जो 24 घंटे में से 8 घंटे नींद का गया, 2 घंटा टाइम पास खाने वाने का गया, जो भी बचा हुआ मेरा 12 घंटा है, उस 12 घंटे को मैं टाइम ब्लॉक कैसे करूं, कौन से टाइम में क्या करना है, पहले इसको ब्लॉक कर लो। क्योंकि आयुर्वेद इतना खूबसूरत, सबसे पहले तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लो, फिर किसी का कोई सलाह लेने का जरूरत नहीं। एंड यू योरसेल्फ आर वेरी परफेक्ट गर्ल, जो भी छोटी मोटी चीजें वो अपनी बचपन की हैबिट रहती, थोड़ा बचपना छोड़ के अपने को शीशे के सामने रखो और ये देखो कि इफ आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, तो मुझे किसी को कुछ भी फॉलो करने के लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीपल विल फॉलो यू। ओके, मतलब मेनी अ टाइम माई फिजिक, माई वेट और मेरा जो भी स्ट्रक्चर है उसको देख के काफी लोग जब मस्ती करते हैं या कुछ बोलते हैं तो मेरे हेल्थ इश्यूज उनको मालूम नहीं रहते, लेकिन मैं उनको बोलती चलिए एक काम करिए, सुबह आप ग्राउंड पे मिलिए। मेरे पेशेंट्स भी मेरे ग्राउंड पे आते हैं, और जब रनिंग होता है, जब एक्सरसाइज होता है, या जब भी कुछ क्रिकेट खेलने की बात चलती है या बैडमिंटन खेलने की, मैं आई एम प्रिक फॉर बैडमिंटन ऑल्सो, तो वहां पे ना आप ऐसा कोई गेम ज्वाइन कर लो कि जिसमें जब आप बोर हो ना, जब आपको लगे कि नहीं अभी कुछ काम करने का मन नहीं है, सेडेंटरी सोने का मन है, उस वक्त में ना एक घंटे का मतलब किसी भी कोर्ट को हायर करके किसके साथ में एक घंटा खेल के आओ, वो कोई भी आपका जो फैसिनेटिंग गेम होगा, कुछ भी नहीं ना, स्किपिंग रोप लो, छत के ऊपर जाओ, 50 एक आपकी जो भी बोलते हैं ना स्किपिंग, वो करो, उसके बाद में आप आलस नहीं कर पाओगे। ओके मैम, तो ये देखना, यू डोंट रिक्वायर एनी मोटिवेशन, योर मॉम इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, योर शी इज अ गुड डॉक्टर एंड शी इज केयरिंग फॉर यू। ओके ओके मैम, या टेक केयर बेटा, एंड विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, किसी को ट्रीटमेंट बताना है तो बताइए, नहीं तो पूजा मैम के पास जाते हैं। किसी को बताना है, नहीं तो डॉक्टर पूजा भावसार मैम आप कुछ बताइए। अर्शिया मैम आपने कुछ लिखा है, कुछ बताना चाहती हैं? यस सर, वो मैंने लिखा है कि मतलब जो शैम्पू से वॉश करते हैं ना आजकल सब, उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं, उसकी जगह वो इशिका का ही रीठा और आंवला, उसको पानी में गर्म पानी भिगा के रखे या सा क्वाथ बना के उससे एयर वॉश किया जाए। और अगर वो हार्ड वाटर होता है जैसे आजकल नगर पालिका की जगह बोरिंग का पानी यूज कर रहे हैं बहुत सारी जगह, उसका भी फर्क पड़ता है, तो अगर वैसा हो रहा होगा तो उसकी जगह कोई भी सॉफ्ट वाटर या फिर आरओ का पानी से वॉश करें। जी थैंक यू मैम, अर्शिया मैम। डॉक्टर पूजा भावसार मैम आपने कुछ हैंड रेज किया है, डॉक्टर पूजा भावसार मैम। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए सर। ये पेशेंट में ना पाचन, ये सॉरी दीपन, पाचन करने के बाद अगर इन्होंने विरेचन दिया ना तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे है ना पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बड़ा है, और इनका जो लाइफस्टाइल है जैसे कि आपने शशि मैडम ने तो बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक विरेचन भी देना चाहिए। और आफ्टर दैट जैसे व्याधि सब लोगों ने बताया, आंवले की खाइए, जो अपना केश द्रव्य है उसका यूज कर सकते हैं रसायन के तौर पे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सर। शोधन रिक्वायर्ड है, और मुझे थोड़ा डाउट है कि शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी आल्सो। डाउट नहीं, मतलब मुझे अभी ऐसा गारंटी भी लग रहा है कि उन्होंने अगर किया यूज ये तो उनको पीसीओडी निकलेगा, तो मेरा सिर्फ ये सजेशन है कि एक बार यूएसजी कर ले। हां मैम, आप एक बार यूएसजी करा के चेक करा लीजिए। ठीक है सर। हां जी, और थायराइड और क्लासिकल, हाँ थायराइड और इसका डाउट है मुझे पीसीओडी का, दो चीजों का। और विरेचन में क्लासिकल ही बोल रही हूँ, किसी ने वो चैट बॉक्स में डाला है अभी, मैं क्लासिकल ही बोल रही हूँ, ये नित्य विरेचन तद्य विरेचन ये नहीं, यहाँ क्लासिकल ही काम करेगा, वेट रिडक्शन भी होगा, पित्त बीज कम हो जाएगा, और जो हम मेडिसिन डाल रहे हैं ना वो और भी फास्ट काम करेगा, तो इनका टाइम भी सेव कर पाएंगे हम इस तरह। ठीक है मैम। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। हाँ जी, सबका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छे से मोटिवेशन मेरे को भी मिल गया। आप अनुरिता मैम के पास 3 महीना भेज दीजिए, अनुरिता मैम एकदम स्लिम करके और पूरा एकदम चेंज कर देंगी सर। मेरा हाँ, मेरी तो इच्छा है कि मैं मैम के पास इसको पढ़ने के लिए भी भेज दूं कि जो बीएमएस करनी है उनकी गाइडेंस में करे। हाँ। लेकिन कुछ उसका वे आउट नहीं मिल रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एमडी करे तो वहीं आके करे। हाँ, आपको मालूम है अनुरिता मैम गोल्ड मेडलिस्ट है एनाटॉमी एमडी में, बहुत मैम इंटेलिजेंट है, फैमिली बच्चा सबको संभाल के और गोल्ड मेडल लेके आई, और क्रिकेट में भी इतने रन मारती हैं और मेडल भी लेके आती हैं, ऑलराउंडर है मैम। हां जी, बहुत मोटिवेशन भी मिलता है सही में यहां पे।
मेरी तरफ से और बेटी की तरफ से सबको मतलब बहुत बहुत थैंक्स जो आप अच्छे से गाइड किया होता। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब एक वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी हैं सर। सर हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा सिर्फ थोड़ा सा ये था सर, डाउट था वो मतलब केस के रिगार्डिंग। एक्चुअली ये जो अभी नया आया है ना चाई, हम मराठी में बोलते वो बियर पे एलोपेशिया, बियर एलोपेशिया, तो उसका सर हम तो यहाँ तो मतलब सिर के लिए तो प्रच्छन्न कर्म कर सकते हैं, लेकिन ओपीडी पे पेशेंट नहीं मान रहे हैं सर इसके पंचकर्म के लिए, मतलब शमन में ही जाना है बोल रहे हैं, तो थोड़ा मुझे गाइडलाइन चाहिए था सर। दीपन पाचन पे रखा है। इंद्रलुप्त के बारे में पूछ रही है। हाँ हाँ, वो जो बियर मतलब दाढ़ी के जगह जमाल गुटा होता है जयपाल बीज, इच्छा हाँ हाँ वो दिया, इच्छा बेटी रास्ता हाँ वो दे दिया है सर। करविराद्धि तेल लगाने के लिए दीजिए, और जो पेड़ हाँ, होता है अमरूद का पत्ता हाँ उसको रगड़ने के लिए। इसके ऊपर कुछ कर सकती हूँ क्या सर? ये तो दे दिया है मैंने, इसके अलावा जो है कृमि की चिकित्सा करिए। हाँ कृमि की चिकित्सा करिए और नीली भृंगादि तेल का बस्ती दे दीजिए, मात्रा बस्ती। हाँ वो सर वही प्रॉब्लम हो रहा है, कृमि का चिकित्सा दिया और ये जो आपने जो बताया वो किया, मैं उसको चाहती हूँ बस्ती या विरेचन डालने का, लेकिन अभी वो रेडी नहीं हो रहे, मेल पेशेंट है, टाइम नहीं है। जलौका उधर लगा दीजिए जहाँ पे चाविया है, वो जलौका अशुद्ध कीजिएगी ना तो फिर आ जाता है सब। ओके 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 ठीक है, थैंक यू मैम। पूजा मैम थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक दूसरी पूजा मैम, मैं भाव सर हूँ, मैं भाव सर हूँ सर, प्रणाम सर। दूसरी पूजा मैम आज भजन भी सुनाएंगी हमें बाद में, पूजा मैम का राजकोट की मैम है ना, बहुत अच्छा भजन सुनाती है। प्रणाम सर। हाँ सर बताइए सर। सर एक पेशेंट हूँ। हाँ गायनिक पेस है ना, तो अंजना मैम को बुलाइए ना। अंजना मैम कहाँ? गायनिक भी है सर, और कल मेरे पास चल रही थी, इनको गायनिक भी है सर, और इनको थोड़ा सा आंखों की भी दिक्कत है, तो कल इनको एक दर्द हुआ ना काफी ज्यादा। तो आपके साथ में है क्या अभी पेशेंट? अभी सर अभी हाँ, मैं उनको भी देख रहा था। तो आप इनको लेके आइए ना, वीडियो ऑन करिए ना, और अंजना मैम को कॉल कर दीजिए अगर। हाँ मैंने भेज दिया, रिपोर्ट ग्रुप में है सर। ठीक है आप वीडियो ऑन करिए, पेशेंट से बात करवाइए। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? रुचि जी है, रुचि नाम है, 25 साल की हैं ये। तो इनको ना महीने में दो बार मैसेज आते थे। हाँ ठीक है, केस टेकिंग करने दीजिए ना इनका। ठीक है, कौन करेगा? अनुरिता मैम आप करेंगी? कौन करना चाहेगा केस टेकिंग? हम करें? हाँ आप करिए, शशि मैम आप करिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रुचि। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी तेज बोलिए। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ क्या नाम है आपका? रुचि। रुचि जी आपकी एज कितनी है? 25। क्या परेशानी है आपको? मैम पीरियड्स में प्रॉब्लम था, मंथ में दो दो बार हो रहा था। ये प्रॉब्लम कब से हो रही है आपको? 3 मंथ से। उसके पहले तक ठीक था? हाँ बट पेन बहुत होता था पीरियड्स टाइम पे, बहुत पेन होता था। नहीं पीरियड में पेन तो आपको मीनार्की से शुरू होगा ना, मतलब जब पीरियड शुरू हुए थे तब से ये प्रॉब्लम रही होगी ना कि अभी शुरू हुई है? ये अभी मतलब पेन होता था बट अभी काफी टाइम से बहुत ज्यादा होने लगा है। फोन थोड़ा अपने पास रख लीजिए, थोड़ा सा आवाज आपकी और लाउड आएगी। हाँ जी रुचि जी। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो आपको पीरियड के वक्त में पेन होना शुरू हुआ है, मतलब ये तकलीफ अब शुरू हुई है कि पहले भी होती थी जब आपको पीरियड शुरू हुए थे, मतलब जब आप बच्चे थे? नहीं स्टार्टिंग से तो नहीं हुई है, बीच में ही हुई है। बीच में मतलब बीच में कुछ टाइम के लिए होकर के बंद हो गया था फिर से पेन वगैरह? 3-4 इयर्स होंगे, 3-4 इयर्स। 3-4 इयर्स। किस एज में पीरियड आपको शुरू हुए थे? 2010 में शायद। 15 की एज में। 15 की एज में। तो उस टाइम जब पीरियड शुरू हुए थे तो कितने दिन आते थे? तो शुरू से ही 3-4 डेज ही होता है। 3-4 डेज होते थे शुरू से। ओके okay. एक दिन में कितना पैड बदलते थे आप तब? एक दिन में एक एक ही ज्यादा था। दिन में एक ही पैड बदलते थे? हाँ क्योंकि इतनी ब्लीडिंग होती नहीं थी।
नहीं वही इसीलिए मैंने पूछा नंबर ऑफ पैड का, इसी वजह से। आपका उस वक्त एचबी कितना रहता था? एचबी उस टाइम तो नहीं पता मुझे। नहीं जैसे कुछ पता चलता था कि चेहरे में पीलापन है या नाखून है या आंख है कुछ बताती है, या एनर्जी लेवल डाउन तो नहीं रहता है? नहीं नहीं नहीं, पूरे एनर्जेटिक रहते थे। ओके, तो उस टाइम कोई तकलीफ थी? और जैसे मान लो पीरियड कम जा रहा है तो कोई दर्द हो रहा है, या ब्लड में मतलब जब फ्लो हो रहा है तो कोई जलन हो रही है, या कमर दर्द कर रही है, पेड़ों में दर्द है? उस तक कोई परेशानी नहीं थी, मतलब आप अपनी सारी लाइफस्टाइल जो उस वक्त की पढ़ाई लिखाई का था, घर के काम धाम वगैरह अच्छे से कर लेते थे, है ना? मतलब आपकी किसी एक्टिविटीज में कुछ डिस्टर्ब नहीं होता था, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये पेन कब से शुरू हुआ है? पेन 3 to 4 years से मतलब होता ही है, टैबलेट लेने की जरूरत पड़ती है, बट टैबलेट लेती नहीं हूँ मैं। टैबलेट लेने की जरूरत पड़ती है? क्यों, अचानक क्या हो गया? पता नहीं, अचानक से बस। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, डिसनोरिया जो होता है 99% ये जब आपका पीरियड शुरू होता है तभी से एक तरह का सिस्टम होता है। अगर ये बाद में हुआ है तो कहीं ना कहीं पीरियड में कुछ प्रॉब्लम आई है। नहीं ऐसा हुआ ना मैम, स्टार्टिंग में जब मुझे शुरू हुआ होगा तो किसी ने बताया था कि घी वगैरह पीने से कुछ ऐसा बताया था, तो वो लेने से मुझे शुरू में पेन था, बट उस टाइम मुझे भी इतनी समझ नहीं थी तो नहीं पता था मुझे। और अब थोड़ा सा महसूस ज्यादा होने लगा है, जैसे एक ही दिन पेन होता है बस। नहीं तो वही मैंने पूछा है, आपने कहा ना कि टैबलेट खाने का लोड, तो ये मतलब है कि एक दिन जब आपको हो रहा है तो क्या इतना ज्यादा दर्द है कि बियरेबल रहता है? कुछ लोग को होता है ना कि दर्द थोड़ा बहुत होता है, कुछ लोग को बहुत ज्यादा होता है कि दवाएं खाने की जरूरत होती है, इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है। तो जो दर्द होता है लोअर एब्डोमेन में होता है कि कमर कटती है, मतलब कमर में दर्द ज्यादा होता है? लोअर एब्डोमेन होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है। और आपके पीरियड्स में कोई क्लॉट्स वगैरह तो नहीं रहते? नहीं अभी एक दो बार से आए थे, अभी इसी बार से, जब से मतलब 3 months से हो गया ना, मंथ में दो दो बार जैसे हो रहा था तो लग रहा था कि जैसे ब्लैक ब्लैक ब्लडिंग जा रही है, और थोड़े बहुत क्लॉट से लगते थे, ज्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे से। ब्लड का कलर क्या रहता है? रेड रहता है, मैरून रहता है, या ब्लैक ज्यादा रहता है, आप ये बताओ मेरे को। रेड रहता है। पक्का? इस बार अभी हुआ है तो बहुत रेड था। कोई स्मेल वगैरह तो ज्यादा नहीं होती है? नहीं। श्योर? और कोई तकलीफ उसमें हो पीरियड आने से पहले लगे कि नहीं, कुछ व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, पानी जा रहा है, या पीरियड जाने के बाद में भी कुछ ऐसा? पीरियड जाने के बाद जाता है। तो क्या मतलब सुलभ शौचालय मतलब पब्लिक टॉयलेट वगैरह भी यूज करते हो? नहीं। जैसे इंसान मेट्रो में, सब दिल्ली में से हो ना आप? नहीं बल्लभगढ़ से ही हूँ मैं तो, फरीदाबाद। नहीं मतलब रहते दिल्ली में हो ना, मेरा कहने मतलब है। नहीं नहीं फरीदाबाद। अच्छा, नहीं दिल्ली फरीदाबाद सब एक जैसे होते हैं, मतलब मेट्रो वेट्रो सर्विसेज है, भाई लेडीज हैं बाहर हैं तो बाथरूम आप? मैं बाहर ही रहती हूं, मैं ज्यादा बाहर ही नहीं रहती। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए आप, और जैसे आपके कुछ भी नेचुरल एलर्जीज होते हैं, जैसे मान लो यूरिन का प्रेशर आया, पॉटी का प्रेशर आया, तो उसको रोकते हो कभी, या जब आया तुरंत इवैकुएट करते हैं आप? नहीं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कहीं कहीं पे नहीं जा पाते हैं तो रोकना भी पड़ता है। नहीं तो ये फ्रिक्वेंटली होता है या बहुत रेयर होता है? बहुत रेयर। ओके, रात में कितने बजे सोते हैं बच्चे आप? 10:30-11। 10:30-11 बजे अच्छी नींद आती है आपको? हाँ नींद तो आती है। ओके, सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह 4 बजे, कभी 4 बजे उठने के बाद थोड़ी देर बाद फिर सो जाती हूँ, फिर 6 बजे। 4 बजे सो करके फिर दोबारा 6 बजे उठते हैं? 4 बजे उठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ, फिर 6 बजे ही उठती हूँ। तो 4 बजे उठ करके जब मेडिटेशन करते हैं तो क्या फ्रेश वगैरह होकर करते हैं, बस उठ गए बिस्तर पर कर लिया मेडिटेशन? हाँ नहीं, फ्रेश तो वो 6 बजे के बाद ही होती हूँ। नहीं कोशिश किया करो, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जो तो बगैर फ्रेश हुए योगा कर लेते थे, बाद में उनको प्रॉब्लम आई है। तो कभी भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज करिए, आपका जब सिस्टम अंदर से थोड़ा खाली रहता है ना तो बहुत अच्छे सुकून से करते हैं, और उसका अलग एनर्जी लेवल आता है, तो आपको लॉन्ग टर्म में असर पड़ेंगे। तो आपकी एजुकेशन पूरी हो गई या अभी कुछ जॉब वॉब करते हैं आप? एजुकेशन तो पूरी हो गई मैम। तो अभी घर पर बैठे रहते हैं? नहीं टीचिंग करती हूँ। नहीं इसीलिए मैंने पूछा ना, क्योंकि अगर घर पर बैठे हो तो भी एक स्ट्रेस होता है। घर पे बच्चों को पढ़ाती हूँ घर पे। ओके, घर पर होम ट्यूशंस लेते हैं तो स्ट्रेस लेवल वगैरह ठीक रहता है? गुस्सा तो नहीं आता, या गुस्से को पीना पड़ता हो?
नहीं, ऐसे गुस्सा नहीं आता, बाकी कभी कभी इरिटेशन होती है, कोई कुछ सामने से बोलता है तो गुस्सा आता है, ऐसे इरिटेशन नहीं, तो जब गुस्सा आता है, इरिटेट होते हो तो उस चीज को एक्सप्रेस कर देते हो कि अंदर रख लेते हो? बहुत कम निकालती हूँ। नहीं कब निकालते हो, इसका मतलब अंदर रख लेते हो और फिर बाद में उसको एनालाइज करते होगे? नहीं, उस टाइम थोड़ा सा चुप रह लेती हूँ, फिर बाद में पता नहीं कहाँ से। आप चुप अभी रह गए तो बाद में तो उसको एनालाइज करता है ना इंसान की, कहाँ सही था क्या गलत था, या मुझे बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था। तो ये जो सिस्टम है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। हो जाता है मतलब ये फ्रिक्वेंट में होता है कि ये बहुत रेयर है या बचपन से आदत है? नहीं बचपन से, बचपन का मुझे क्या याद है। नहीं ये देखो अपना नेचर बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि हम कैसे थे, हम उसको बोले ना बोले हमारे बारे में सबसे बेहतर तरीके से हम जानते हैं। और अगर हम अपने बारे में नहीं जानते इट मीन्स कि हम दूसरी दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमें एटलीस्ट अपना नेचर बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए, तो उसमें जज करना आसान हो जाता है। क्योंकि ये जो आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है ये कहीं ना कहीं, और जो आपने कहा कि महीने में दो बार हुआ, ये अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता तब इस तरह की सिचुएशन होती है या कुछ और वजहें होती हैं, बट मेजोरिटी टाइम ये स्ट्रेस की वजह से होता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। स्ट्रेस का तो मैम ऐसा है ना, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी वजह से ना सोचते हुए भी सोचना ही पड़ जाता है। ओके नहीं जैसे प्रॉब्लम को एक होता है कि हम लेते हैं और एक होता है कि हम प्रॉब्लम को सर पर सवार कर लेते हैं, तो क्या कौन सा नेचर है? नहीं जब अकेले होती हूँ जब। ओके तो रात में जो आप सोते हो नींद अच्छी आती है? हाँ। दिन में सोते हैं आप? एक घंटा सोते हैं। ओके कुछ ये जंक फूड खाना मतलब आजकल जो बड़ा अच्छा खाने का सिस्टम है, बाहर से कुछ घर में क्या क्या खाना पसंद है? घर में जो भी बन जाए, दाल रोटी सब्जी, बाई चांस कभी कुछ मन किया तो बना लिया। बन जाए आप खुद बनाते हैं कि मम्मी बनाती हैं? नहीं मैं बना लेती हूँ। ओके और अच्छा जो भी लाइफ में मतलब जो भी आज तक काम करते हो उसको मन से करते हो कि कई बार बहुत सारे काम फोर्सफुली करते हो कि दिल नहीं कर रहा बट कर लिया? नहीं मन से ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ पढ़ाई का काम है और कुछ नहीं है। नहीं कुछ भी काम करना अगर, क्योंकि जितना आप मन से काम करेंगे ना उतना आपके अंदर स्ट्रेस कम होता है, इस वजह से मैं आपके पूछ रही हूँ। क्योंकि पीरियड्स की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो दो तीन उसकी जो मेजर इश्यूज होती है वो कि आपकी लाइफ स्टाइल मतलब रात में देर रात तक जागना, सुबह लेट उठना, या स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना, या ये जंक फूड तो मतलब कल्याणकारी फूड है ही तो उसका सेवन करना, ठीक है? तो ये जो वजह मेन दो तीन है, और या तो आपके अपने नेचुरल अर्जेस को रोकना। और लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम हो ही जाती है कि अगर वो बाहर जा रहे हैं तो कई बार होता है बाथरूम नहीं अच्छा है तो भी हमें रोकना पड़ता है, और कई बार सिचुएशंस नहीं बनती हैं तो भी, ठीक है? इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ। इसके अलावा और कोई तकलीफ आपको पीरियड के अलावा? आंखों के बारे में बताया था। आंखों में क्या तकलीफ है आपको? राइट आई का विजन कितना है? मैम इनको सामने से एकदम नहीं दिखता। ओके साइड से थोड़ा दिखता है। ये प्रॉब्लम आपको कब से है? 2017 मेरे पास ये, इसीलिए स्पेशली इन्हीं दो कारणों के लिए मेंसेस के लिए और इस आई के लिए ही आई है। इनको पीरियड शुरू है बेटा आपको 15 में शुरू हुए थे ना, और 17 से आइस की प्रॉब्लम आई है। तो सर इनका तो मेन जो इशू है ना इसके एंटी पीरियड। मैम एज 15 थी, ये प्रॉब्लम 2017। मैम इनको ज्वर की हिस्ट्री है। ओके नहीं है, देखो अगर आपकी आइस में प्रॉब्लम आ रही है ना तो आपकी बहुत सारी वजह होंगी। क्योंकि देखो एक स्कैंटी पीरियड तो आपको आया जब आप छोटे रहे, मतलब जिस एज में मीनार्की में शुरू हुआ तो पीरियड ठीक नहीं आए हैं। अच्छा जो खाना वाना खाते हो वो हेल्दी डाइट खाते हो, मतलब घी वगैरह खाते हो उसमें कि घी वगैरह नहीं खाना है क्योंकि वेट बड़ा मेंटेन रखना है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, खा लेती हूँ। तो रोटी में मतलब डेली घी लगाकर खाते हो? खा भी लेती हूँ, नहीं भी खा लेती, अब जब से इन्होंने बोला है तब से भी डेली खा रही हूं। इसके लिए घी चाहिए इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपको। नहीं डेली तो नहीं। नहीं तो अब शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा घी वगैरह खाइए और जो डॉक्टर साहब बताएंगे वो सारी चीजें तो फॉलो ही करनी है, ठीक है? और आपको कुछ डॉक्टर साहब एक्सरसाइज भी बताएंगे आई की, वो सारी चीजें जो मैंने आपको भेजी थी वो करवाइए। 22 हो गए ना? हाँ जी सर। हेलो हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। इनको 22001 टाइटिस आया है, 22002
पाठक सर मेरी तरफ से तो लगभग हो गया है, इनका ज्यादा हेतु नहीं नजर आया है। एक तो दिन में सोते हैं घंटे एक हजार तो टाइम का निकला है, और इनका मेजर इशू तो मुझे लगता है पीरियड की वजह से ही आईज का भी प्रॉब्लम है। सर आपने इनको अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया है? हाँ कल कराया, कल इनको एक दर्द उठा था मैम काफी ज्यादा, पहले तो पीरियड के लिए ही मैंने दवाई दी थी, लेकिन इनको नहीं लगा कि दर्द पीरियड की वजह से हो रहा है, पीरियड भी चल रहा है इनका, तो मैंने कहा आज अल्ट्रासोनोग्राफी कराया तो पॉलिश आ ही रहा है, राइट ओवेरियन हेमरोजिक सिस्ट आ रहा है, सिस्टाइटिस आ रहा है, बायलेटरल रीनल कैलकुलाई आ रहा है, लेफ्ट यूट्रस कैलकुलाई आ रहा है, और इनको ना मैम लेफ्ट में 5.9 है और 5.1 है और 4.56 है और 4.4 है, यानी लेफ्ट में 4 है मैम। अभी अंजना मैम भी आ गई हैं, अंजना मैम से कोई सलाह लेना है तो पूछ सकते हैं। राइट में मैम तो मेजर मैम तो गुरु हैं। हाँ मिश्रा जी अंजना मैम आ गई हैं। ठीक है सर बात कराते हैं। सर इनकी ना पलक भी नहीं उठ रही है, जो आंख में आई साइड वीक हो रही है ना सर, उसमें पलक भी इनकी अब धीरे धीरे मज्जा धातु का सब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। हाँ सर पुत्रवस्त्र स्त्रोतस और मज्जा वहाँ पे हो रहा है। सर इनको अग्नि की भी प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब है तब तो पक्का सी बात है मंदाग्नि है मैम, मंदाग्नि है। हाँ तो सर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए, शोधन होगा सर सब कराना पड़ेगा ना। अच्छा करिए, चलिए मिश्रा जी एक बार वो पेशेंट को दिखाइए, अंजना मैम आ गई है। हाँ प्रणाम मैम। अंजना मैम जी नमस्कार, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार नमस्कार सभी लोगों, नमस्ते मैम। सुन रही थी मैं स्टार्टिंग से हूँ सर, मैं सुन रही थी इनका जब से स्टार्ट हुआ था मैंने सुना, और ये सबसे क्योंकि इससे पहले मैंने कहीं किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, मतलब मेरा था कि कोई फाइंडिंग है इनकी कैटरेक्ट वगैरह है या क्या कारण है, लेंस वगैरह में प्रॉब्लम है, कुछ डायग्नोसिस आई की बनी हुई है क्या जितेंद्र सर? क्या कह रहे मैम? आई के बारे में कुछ इनका कहीं पे चेकअप हुआ होगा ना ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से या किसी का रिपोर्ट है, अभी कल इन्होंने मुझे दिया है तो उसको मैं उसको मुझे देखना पड़ेगा, वो रिपोर्ट काफी ब्लड पहले का रिपोर्ट है, काफी पुराना रिपोर्ट है। कंक्लूजन क्या दे रहा है उसमें, आप कंक्लूजन पढ़ के बताइए, पहले देखना पड़ेगा, नहीं अभी डिसाइड करना है वो सब आपस में इंटरेक्शन है। कंक्लूजन ये दे रहे हैं कि नसों में सूखापन है, नस सूख रही है। क्या लिख रहे हैं डायग्नोसिस, क्या लिख रहे हैं उनकी वर्डिंग्स क्या है और आपसे बताइए, जरूरी है इसलिए पूछ रहे हैं, बताइए। इसका जो लास्ट में जो बताते हैं ना किसी भी का कंक्लूजन बताते हैं उससे इसका संबंध है, मैं इसलिए कह रही थी। ठीक है मैम दे रहा हूँ। जी जी माता जी आप परेशान मत हो, शशि मैम ने जो हिस्ट्री ली वो डिटेल हिस्ट्री ली मैडम, इसका जरा हाइट और वेट क्या था, इसका आइडिया था हाइट और वेट क्या रहा होगा इसका? मैम हाइट और वेट मैंने नहीं पूछा था एक्चुअली, सॉरी थोड़ा सा वो जरूरी वेट तो बताए ना, 70 किलो बताए ना, नहीं होता था 52 मैम। हाइट कितनी है आपकी? 5'3" है मैम। 5'3" में तो ठीक ही है मैम। हां हां एवरेज मैम। एक तो इनका ना सीटी स्कैन हेड हुआ था प्लेन, जिसमें इनको देर राइट मैग्जिली साइनस सीन आया था, मतलब साइनस भी आया था जी, ठीक ना, एक तो ये उस समय का रिपोर्ट है, फिर इनका चेस्ट हुआ था ये तो नॉर्मल ही है ठीक ना, फिर इनका उस समय ये हुआ था एम्स में, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जो भी देखे होंगे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट ने क्या क्या बताया उसके बारे में थोड़ा सा रिपोर्ट किया है, इसमें देख रहा हूँ मैम इस पे। एक्चुअली जो मोटा मोटा समझ में आता है ना इसमें वो यही समझ में आता है कि यहाँ पे अच्छे से वायु कुपित हुई है ना,
और उसके साथ जब वायु कुपित हुई है तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि वो पूरा शुक्र धातु तक, जो मज्जा धातु तक, शुक्र धातु तक उसका पूरा सा पूरा जो है वो अच्छे से कुपित हुई है। और ये अभी का नहीं, ऐसे बच्ची बता रही है कि हमें अपना एज का नहीं पता या अपने बचपन का हम क्या बताएं, उसकी बार बार यही होती है। लेकिन ये यही है कि इनका जो मेन कारण रहा है, या मे बी कि वो गर्भगत भी होता है समटाइम्स। अच्छा। क्या होता है गर्भ, हाँ गर्भाशय गत भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो गर्भाशय गत अगर उस समय केयरफुल नहीं रही है माँ इनकी, या जो भी कुछ ऐसे आहार विहार का सेवन की है उसका इफेक्ट है। लेकिन फिलहाल जो भी पेशेंट हमारे पास लेके कंप्लेन आई थी उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, और उसको पीरियड्स में भी जो है वो प्रॉब्लम है। तो स्कैंटी भी बता रही है, अर्ली भी बता रही थी, पहले अर्ली भी हो जाता था, स्कैंटी हो जाता था, उसका पेनफुल पेनफुल भी हो जाता था, है ना, तीनों फाइंडिंग बता रही है। तो हम लोग सभी लोग मानते हैं कि जो योनि में जो भी योनि व्यापद होते हैं वो बिना वायु के नहीं होते हैं, और जो वायु कुपित होती है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम धातुओं की भी बात करते हैं तो धातु पोषण क्रम में भी पूरी तरह से जो है वो असमानता है, या धातु का पोषण क्रम डिस्टर्ब हुआ है। जो आर्तव बन रहा है वो आर्तव पूरी तरह से तैयार ही नहीं हो पा रहा है, और रस रक्त मास में अस्थि मज्जा तक जाएंगे तो वो नेचुरल सी बात है, अभी सबने बताया कि मज्जा धातु जो है वो प्रॉपर तैयार नहीं हो रही, और अक्षी पे विशेष पे उसका जो है इफेक्ट देखने को मिला है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हम लोग को मॉडर्न की डायग्नोसिस पता होना चाहिए, स्पेशली कि वो किस कौन से पटल की है। हमारे जो हमारा आचार्य ने इतना डिटेल बताया है तो किस पटल की, शुक्ल पटल, कृष्ण पटल, है ना, तो सारे पटल बताए हैं, किस पटल की व्याधि से हम इसके जो है कहना चाहिए एक मानेंगे, या कैटरेक्ट तो नहीं है, है ना, या कहीं अंदर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या सिंपल जैसे आपने कहा कि नर्व्स, अगर नर्व्स ड्राई हो रही है इसका मतलब क्या है कि एकदम मज्जा धातु पे इसका इफेक्ट जा रहा है। कभी इनको चोट वोट तो नहीं लगी थी, या कभी ये पीछे सर के पीछे के बल से कभी गिरी तो नहीं है ये बीच में, इनको याद ना हो, या कोई चोट नहीं लगी मैम, कभी नहीं लगी साइकिलिंग वाइकलिंग करते समय या कुछ ऐसे? नहीं एकदम नहीं। ये अचानक दिखना बंद कब से हुआ? धीरे धीरे करके बंद हुआ होगा ना आपको, दिखाई देना धीरे धीरे करके कम हुआ था कि अचानक एकदम बंद हुआ था? ये मैम पता ही एकदम से चला था, उससे पहले तो कभी चला। कितने दिन पहले से पता चला आपको? 2017 में मैंने जस्ट एक आई को बंद किया था मेरे देने के लिए, बस जब ही मुझे पता लगा था कि हाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर तब से ही टेस्ट वेस्ट कराने स्टार्ट कर दिए थे। आई ड्रॉप में कौन सी आई ड्रॉप ऐसी थी, नाम याद है क्या? राइट वाली में प्रॉब्लम है ना। अच्छा लेफ्ट सही है? नहीं मैम, इन्होंने आंख बंद करके कभी शीशे में देखा तो उस समय इनको डायग्नोस हुआ कि मेरी दूसरी आंख से दिख नहीं रहा, एक आंख से दिखता है ना मैम। इसमें एम्ब्लोपिक आईज भी रहता है ना, एक आईज लेजी रहता है तो उसका विजन दूसरे आईज जब क्लोज करेंगे तो देखेगा, ये भी रह सकता है इसमें। हाँ मैम से भी होगा शायद, इनको मैं बता रही ना, मैं भी वो गर्भजन्य विकृति हो सकती है, इंट्राउटराइन लाइफ की विकृति हो सकती है, मे बी की वो मैम टॉर्च टॉर्च का भी इन्फेक्शन होगा इसको। हाँ वही बात, कारण जानना है ना, उसका कारण नहीं पता चल रहा है कि ये कारण जो आई वाली प्रॉब्लम आई है। एक तो है कि इनकी अपना जो इनका लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिस्टर्बेंस है, एक घंटा सो जाती हूँ, जैसे सुबह उठ के मैं मेडिटेशन करती हूँ फिर मैं सो जाती हूँ। आपको ऐसे नहीं करना है, आप 5 बजे उठिए, 4 बजे मत उठिए, आप 5:30 बजे उठिए, लेकिन आप आधा घंटा ही मेडिटेशन करिए और फिर 6 बजे से आप रिलैक्स हो जाइए, अपना सारे काम में लग जाइए, या आप 5:30 बजे उठ के पहले आप फ्रेश होके आइए, थोड़ा सा घूमिए, उसके बाद आप मेडिटेशन करिए, तो उस मेडिटेशन का आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम करना है तो हम उठ के कर लिए और आपको मेडिटेशन नहीं माना जाएगा, वो तो जैसे लगता है एक बर्डन की तरह, आपको करना है तो करना है, बस आप उठे और आपने फॉर्मेलिटी कर दी। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपका मन आपके माइंड के साथ आपकी बॉडी के साथ अच्छे से जुड़ा हो और आपको लगे कि आप कहीं दूसरे उसमें जा रहे हो, आपको जैसे कहते हैं ना बाहरी जगत से आप थोड़ी देर के लिए अपना नाता छोड़ दे रहे हो और आपका मन, आपका आत्मा, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर सब एक साथ है और आप कहीं प्रभु की भक्ति में लीन है, कुछ आप ऐसे जगह पहुंच रहे हो जिससे आपको लग रहा है, वो ऐसे नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होगा और बहुत समय लगेगा।
लेकिन जब आपको ये लग रहा होगा कि अरे यार जी कर ले फिर सोना है, तो वो आप कभी ऐसे नहीं कर पाओगे। वो मेडिटेशन का मतलब कुछ नहीं है, वो आपकी नींद में डिस्टर्बेंस है और वो भी एक कॉज है। ठीक है, पहली बात ये कि आप इस सब को छोड़िए। आप 5:30-6 बजे उठिए, आपको लगे आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आप थोड़ा रात में जल्दी सोइए, सुबह को आप 5:30 तक उठ जाइए, और जब आपको लगे कि आपकी नींद पूरी है तब आप अच्छे से थोड़ा उठिए, थोड़ा फ्रेश होइए, थोड़ा घूमिए। जब आपको लगे कि हाँ अब मैं अच्छे से कहीं बाहर जगह पूरब दिशा की तरफ मुंह करिए, और सबसे पहले ओम का जाप करिए, गहराई से ओम बोलिए, इतना गहराई से बोलिए कि लगे कि नाभि से आवाज आ रही है। इस तरह से मेडिटेशन शुरू होता है। एकदम आप बैठ के ओम करेंगे ऐसे नहीं होगा, आपको थोड़ा घूमना होगा। अगर आपके आसपास कहीं ग्रीनरी है तो ग्रीनरी पे थोड़ा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, गहरी गहरी सांसें लेना पड़ेगा, धीरे धीरे टहलना पड़ेगा, देन आपको अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अब मैं थोड़ा सा जो है वो भगवान की भक्ति में लीन होने जा रही हूँ, या मैं थोड़ा अपने से बात करने जा रही हूँ। तो इस तरह से फिर ओम गहराई से बोलिए, उसको आप देखिए, वीडियोज देखिए, बहुत आप बड़े हो, समझदार हो। ठीक है, और सेकंड ये है कि मे बी कि आपको पता ही ना चला हो स्टडी के समय, जब आप पढ़ाई करते रहे हो, या जैसे आईज की प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी रही हो और वो धीरे धीरे जो है अब ज्यादा हो गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर नर्व्स में ये बता रहे हैं कि ड्राइनेस आ गई है या वायु इतनी कुपित हो गई है, तो उसका भी कॉज जैसे मैडम ने कहा कि टॉर्च टेस्ट से, और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं किसी भी तरह का, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि भगवान ना करे लेकिन कुछ इस तरह का प्रेशर उधर की नर्व पे पड़ रहा है कंट्रालेटरल। अगर राइट साइड की आई खराब है तो लेफ्ट साइड में कहीं प्रॉब्लम होगी, या लेफ्ट साइड का जो कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब हमारा आता है वो पीछे से, वहां पे ये कंट्रालेटरल होता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो यहाँ पर भी हमें सीटी कराना पड़ सकता है, या हमें ये देखना पड़ सकता है कि ब्रेन सीटी में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और वो धीरे धीरे बाद में जो है और साइज बढ़ जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसके अलावा कभी चक्कर आना, हेडेक होना, उल्टी होना, दर्द होना, ऐसा कुछ है क्या? नो मैम, नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है सर, भारी भारी नहीं होता है ना, वो कभी कभी जैसे पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो होने लगता है वैसे। तो आपने कभी आंखों के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने क्या चश्मा बताया आपको? डॉक्टर ने चश्मा तो बोला है। तो आप लगाते नहीं हो ना? नहीं, चश्मा लगाती हूँ मैं, चश्मा तो पूरे टाइम तो लगाती हूँ। मतलब पढ़ते समय ही बताया है कि वैसे भी बताया है, डे टाइम में भी बताया है? तो अभी तो आपकी आंखों में चश्मा लगा ही नहीं है। वो अभी अभी अल्ट्रासाउंड करा के आई थी ना, तो अभी बस निकाल दिया था, बाकी पूरा दिन यूज करती हूँ। ठीक है, तो आप अब यही शुरू करिए, पहले आप अच्छे से मेडिटेशन करिए, उसके बाद इनको अच्छे से थोड़ा सा जो है मेडिकेटेड भेद पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बात व्याधि को ही प्रधानता दे रहे हैं, तो हमें नस्य कर्म भी बहुत अच्छे से कराना होगा। अगर अक्षी तर्पण आप इनका करा देंगे तो अक्षी तर्पण से भी बहुत फायदा मिलेगा। हमें तो शुरू करना है, लेकिन एक बार वही एम्स वाली रिपोर्ट को मैं देख के और आगे का क्या जो आप कह रहे हैं ना सीटीयूटी कराने का, उस पे मैं आऊंगा। अभी तब तक इनको कल से पथरी का दर्द हो गया ना, किसका स्टोन भी है मैम, इनको रीनल स्टोन आ गया है। कितना बड़ा साइज है मैम इनका? राइट में आ रहा है 4.1 mm और 3.8 mm रीनल कैलकुलेशन, और लेफ्ट में आ रहा है मैम इनको 5.9, और एक आ रहा है 5.1 mm, एक आ रहा है 4.6, एक आ रहा है 4.4 mm साइज रीनल कैलकुलेशन लेफ्ट में। पानी वानी एकदम नहीं पीते हो क्या? पानी कम पीते हो बहुत ज्यादा क्या? वो लग रहा है पानी भी कम पीते हैं। पीरियड कब हुआ था अभी लास्ट में? पीरियड चल रहा है लास्ट में, उससे पहले वाला कब था बेटा? 24 अच्छा, तो 24 का अभी फिर शुरू हो गया, अभी तो 10 ही है ना, 9-10 ही है, उसके बाद फिर से 6 को हो गया था। अच्छा अच्छा, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा अभी भी चल रहा है, वही है इनको पूरा अच्छे से मलमूत्र बैठा है ना। इसमें अगर बार बार मेंसेस आ रहे तो धातु क्षय नहीं हो रहे क्या? धातु क्षय लगातार हो रहा है भाई सर, इनको धातु पोषण क्रम पे ध्यान देना होगा। पहले इनको अच्छे से दीपन पाचन कराना है, तो यहाँ पे इनको स्टार्ट कराना है, तो नागकेशर के साथ दीजिए पंचतंत्र स्टार्टिंग जो है, दीपन पाचन करना पड़ेगा, फिर आंखों पे दिया मैम ग्रहणी दृष्टि पे चलना है, नागकेशर दीजिए और पंचतीर्थ ग्रंथ दीजिए, और अनुपान जो किसका दिया है अनुपान के लिए ना यहाँ पे थोड़ा सा फलत्रिक आदि ऐड करिए,
थोड़ा सा फर्क लगा दिया, मतलब मात्रा 20 ml ही रहने दीजिएगा लेकिन दीजिए, ठीक है। लीवर पे काम करना पड़ेगा, ग्रैनी दृष्टि पे बहुत काम करना पड़ेगा। देन हाँ देन फिर इसमें थोड़ा सा कहरवा पिष्टी है ना, और उसके साथ में जो है कहरवा पिष्टी के साथ थोड़ा सा लाक्षा है, बोर परपट्टी है, ये वाले एक मिश्रण मिलाइए, और उस मिश्रण के साथ में थोड़ा मुक्ता शक्ति दे सकते हैं, मुक्ता शक्ति में अच्छा काम करेगी, परिवार पंचामृत भी काम करेगा। और हम यहाँ पे जो है पुष्पधन वरस अलग से ऐड करेंगे, और पुष्पधन वरस के साथ थोड़ा शूर शेखर, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में अलग अलग ले ले, पुड़िया एक अलग दिला दीजिएगा, और इसके साथ में इसको जो आप देंगे यहाँ पे थोड़ा अनुपान बदल दीजिएगा, उशीरा सब दीजिए इस वाली पुड़िया और इसके साथ में, ठीक है, उशीरा सब दीजिए, थोड़ा सा इनको उसमें लेके आइए। और साथ में जैसे आइस की बात चल रही थी, तो अभी क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा है तो अनुपान वगैरह वो मात्रा बस्ती वगैरह पर भी चंदन वाला लाक्ष आदि की मात्रा बस्ती स्टार्ट कर दी, इससे इफेक्ट पड़ेगा आइस पर भी। मात्रा बस्ती आज से स्टार्ट किया है, किसकी दिया, किसकी दिया, चंदन वाला लाक्ष आदि, थोड़ा सा सहजन, रेंडे ऑयल, नहीं नहीं सहजन वगैरह मत मिलाइए, सहजन नहीं, सहजन नहीं, अभी सिंपल इनकी चंदन वाला लाक्ष आदि पे आप कर दीजिए 7 दिन तक, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि इनका हाँ जब इनकी ब्रीदिंग बंद हो जाएगी तो इनको कहरवा पिष्टि वाला योग बंद करके पुष्पधन वरस, उसके साथ में जैसे मैंने बोला कि संजीवनी और उसके साथ सूर्य शेखर है ना, थोड़ा सा गिलोय सत्व है ना, और थोड़ा सा त्रिवंग भस्म या फिर बंग भस्म है ना, त्रिवंग ज्यादा फायदा करेगी, तीनों बंग उसमें तीनों भस्म मिलती है, और उसके हाँ उसको साथ में थोड़ा सा फिर वहां पे इनको काल में घास के साथ दीजिएगा, अभी वो वाली पुड़िया बना के देना है, और जैसे ब्रीदिंग बंद होती है तो फिर आप इनको सबसे बड़े काम करना होता है यहाँ पे जो हम करेंगे और उस ओवरी पे और गृहिणी पे, क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिकनेस का मतलब है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, उसको मेंटेन करना है, तो वायु का अनुगमन करना है, और एक बार अगर ब्रीदिंग इनकी ठीक से होती है तो अगले ब्रीदिंग को ठीक लाने के लिए जैसे मैंने बताया चंद्रमा लाक्ष आदि की मात्रा वस्ती, और नस से भी आप पंचतीर्थ घटका या छीर वाला तेल का नस से कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नस से इनको शुरू करिए, इनकी आइस के लिए भी वो फायदा करेगा, और अनुपान इनको जरूर दीजिए, बदल बदल के दीजिए, लेकिन पंचतीर्थ घृत इनको थोड़ा सा बहुत जरूरी है, और अक्षी पूरण में कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, त्रिफला घृत का जैसे ये सो के उठती है तो कम से कम त्रिफला कषाय से ही अपना आंखों को साफ हो सकती है, और त्रिफला घृत रात को लगा के भी जैसे कहते हैं ना ऐसे हाँ वो देते रहिए, और नस से कराते रहिए, ठीक है, यहाँ त्रिफला घृत का नस से भी काम करेगा, यहाँ पे जो है सप्तमृत ग्रह चलेगा क्या? हाँ चलना चाहिए सप्तमृत ग्रह, वही है ना, अभी थोड़ा ब्लीडिंग कम हो जाए, सारे मेडिसिन एक साथ नहीं है, तो सप्तमृत ग्रह और सर का जो ब्रत कवस्कारी का छाय है वो बहुत फायदा करेगा सर। मैम एक एक टेबलेट मैंने शुरू कर दिया सप्तमित बृहदवाती कषाय मैंने अभी शुरू नहीं किया है, उसको मैं एक हफ्ते बाद शुरू करूंगा। हाँ वो चलाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या है ना मेन दिक्कत है कि मेंस्ट्रुएशन और मेन दिक्कत है इसकी आपकी किडनी वाली प्रॉब्लम है, तो इसका इनको स्टोन का जो दर्द है उसको थोड़ा ठीक करना है, और थोड़ा सा इनका ना जो अपान वायु रुचि हो रही है वायु का उस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोल ही रहे हो ना आयरन तेल और सूंठी दीजिए दर्द निकाल देगा, वो आयरन तेल सूंठी पे काम करेगा, आपने दिया है नाभि पूरण वगैरह भी करा दीजिए आयरन तेल वाले से तो वो काम करेगा। अंगुष्ठ मूल पे विधिकर्म भी कर दिया है इनको थोड़ा सा, हाँ तो पेन तो नहीं है, पेन होता अगर कॉलिक की पेन होता तो कहाँ बैठ पाती, कहाँ बात नहीं, कल इनको था ना, कल इन्होंने इनको एक इंजेक्शन देना पड़ा ना कल, अच्छा, तो इनको अच्छा। था कल मेरे पास ये आ नहीं पाई थी, तो कल मैंने बोला था इंजेक्शन ले लो, फिर ये आज अभी अल्ट्रासोनोग्राफी कराई है, क्योंकि मुझे तो डाउट हो गया था इसलिए मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी पहले लिख दिया था कि करवा नहीं पाई थी। धनिया का और उसका सौंफ का पानी पिलवाई, वो ब्लीडिंग में भी काम करेगा और पानी भी पीना है, अनुलोमन भी करेगा है ना, और पित्त को भी शमन करेगा, और थोड़ा सा जो है आइस के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है मैम। इतना करिए क्योंकि सर का मैसेज आ रहा है कि सेशन बंद करना है, टाइम हो गया है, लेट हो गया जी, ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू।